चैट में है ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये एबीसी वाली बोल रहे हो ना? ठीक है, थोड़ी छोटी लेते हैं बस समझने के लिए। ए बी सी ए बी डी ई एफ आर ए वाई एक्स। ठीक है, एक बार मैं इनकी इंडेक्सिंग भी कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको स्क्रीन भी दिख रही है ना प्रॉपरली? साइज वगैरह सही है? ठीक है, तो अब आप में से कोई भी एक जना मुझे बताएगा क्या करना है। कौन है वॉलंटियर? हाँ सर, इसमें क्या करना था कि अपने को लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग निकालना था, ठीक है, जो जिसमें रिपीटेटिव एलिमेंट ना हो। सो पहले मेरे हिसाब से ये हो सकती है, या इससे भी बड़ी और कोई स्ट्रिंग है? नहीं सर, वही हो सकता। अच्छा, पक्का? नहीं सर, और बड़ा हो सकता है, ये भी तो है एक। हाँ सर, वो राइट 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 सर, ठीक है। तो अब आप बताओ इसमें क्या स्टेप्स लेंगे अपन? आप लोग बताओ, मैं आपको गाइड करता हूँ चलूंगा, तो इससे क्या होगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप लोग क्या समझ रहे हो। ठीक है, हाँ बताओ यार। अच्छा, मैप पढ़ लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, बताओ कोई जना हो यार? मैं क्लास में नहीं हुआ सर। मैप क्लास में नहीं हुआ अभी? नो सर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट था, मैं मैप बना रहा था वही। ठीक है, तो अपन एक बार है ना सूडो कोड के लिए अपन एक बार फ्रीक्वेंसी काउंटर लेंगे, मैप या एरे कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट से बताए थे सर ने, ऑब्जेक्ट से कर लेंगे अपन, तो समझ रहे ना, जब कोड लिखेंगे तो अपन देख लेंगे क्या लगाना है। ओके सर, ठीक है, बताओ यार कोई तो आओ, कोई अनम्यूट ही नहीं कर रहा सर। स्टेप्स बताना है वो जो सर ने फॉलो किए थे, तो सर नहीं, नहीं जो सर ने नहीं, आप आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए वो बताओ सर। हम लोग को स्लाइडिंग विंडो तक क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्लाइडिंग विंडो क्या होती है। एक विंडो क्या होती है, एक स्पेस होती है। ठीक है, जब अपन स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि, कौन बोल रहा है? अरे म्यूट हो जाओ यार, अगर आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है तो म्यूट हो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों की रैंडम आवाज आ रही है, कुछ पूछ रहे हो सर। आप अप्रोच पूछ रहे थे, लाइक क्या ना है, आप कंटिन्यू करो। हाउ इज दिस तरुण? यस सर, आप कंटिन्यू करो। हां तरुण बताओ सर। मैं कह रहा हूं कंटिन्यू करो, वो बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी किसी की। ठीक है ठीक है, अभिषेक हां आप बताओ। यस सर, तो स्लाइडिंग विंडो में सर हमें यहाँ पे चेक करना है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे सर, हमारी अप्रोच इस टाइप से रहेगी कि हम सबसे पहले एक लाइक फर्स्ट इंडेक्स को स्टोर करवाएंगे, उसके बाद उसमें ऐड करते रहेंगे। लाइक हम ऐड करेंगे, अगर लाइक अगर वो सेम नहीं है, तो अगर वो स्ट्रिंग जो जो जीरो इंडेक्स पे स्ट्रिंग नहीं है तो हम उसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अगर लाइक अगेन हम वही चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है या नहीं, उसी टाइप से लाइक हमने एक मैप क्रिएट करके रखा हुआ, तो उसी टाइप से हम चेक कर रहे होंगे कि मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर लाइक अगर वो स्ट्रिंग मैप में प्रेजेंट है तो हम उसको डिलीट करते रहेंगे, हम उस स्ट्रिंग में से अब लाइक कट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, डिलीट करना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से।
तो हम उसको वहां तक कट करेंगे जब तक हम वो हमें वो इंडेक्स नहीं मिल जाता, हमें वो लाइक जैसे कि अगर जैसे ए है जो थर्ड इंडेक्स पे ए है तो हम जीरो इंडेक्स को डिलीट कर देंगे, मतलब कि लाइक हमारी स्ट्रिंग में से वो वाला इंडेक्स गायब हो गया, वो वाला स्ट्रिंग जो था जो कि डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहा था वो गायब हो गया। तो उसके बाद हम उसके लाइक जब भी वो स्ट्रिंग लाइक कट कर देंगे डिलीट कर देंगे उसमें से, तो उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से एडिशन स्टार्ट कर देंगे, राइट? एंड लाइक ऐसे ही अप्रोच रहेगा सर। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ स्लाइडिंग विंडो क्या रहती है। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, अपन एक स्पेस लेके चलते हैं। अब एक एरे में अगर स्पेस की बात करें या स्ट्रिंग में स्पेस की बात करें तो अपन बोलते हैं कि हमने दो पॉइंटर लिए, उसके बीच का जो भी पार्ट है वो हमारी विंडो है। अब स्लाइडिंग विंडो से यह मतलब हुआ ये विंडो शिफ्ट होती रहती है, मतलब हम लेफ्ट में से एलिमेंट रिमूव करते हैं और राइट में एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को स्लाइडिंग विंडो से अप्रोच करते हैं तो कैसे करेंगे, अपन दो पॉइंटर लेंगे, दोनों को अपन स्टार्टिंग इंडेक्स पे सेव कर लेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है? लेट्स से आई हो गया और जे हो गया। अभी हमारे पास एक वैल्यू स्टोर जाएगी ए, जो कहाँ पे है, जो है जीरो पोजिशन के ऊपर, ठीक है? अब हम इस विंडो को बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी पहले राइट में एलिमेंट्स ऐड करेंगे। अब जे को हम राइट में मूव करेंगे, हम जाएंगे बी के ऊपर, यहाँ पे जे आ जाएगा। अब हम इसको भी अपनी मैप में या फिर ऑब्जेक्ट जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पे सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे सी के ऊपर, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। अभी तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट है ए बी सी ये सारे यूनिक है, इस विंडो के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होगी, जब एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट होंगे। अब हम गए थर्ड इंडेक्स के ऊपर और यहाँ पे हमारा पॉइंटर आ गया, ठीक है? अब हमने इस एलिमेंट को भी अपनी एरे में इंक्लूड कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस एलिमेंट की एक अक्रेंस ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है? अब ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे वर्क करेगा आपका मैप। जब आप जे के जब आप थर्ड इंडेक्स के ऊपर आओगे और आपको एलिमेंट मिलेगा ए, तब आप चेक करोगे कि ये हमारे पास ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट था क्या। हमने देखा हाँ ये प्रेजेंट था, ये जीरो के ऊपर प्रेजेंट था। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी जो विंडो का साइज है, यानी अगर मैं अपनी सब स्ट्रिंग जो मेरे को लेनी है, अगर मैं उसका साइज ये लेता हूँ जीरो से लेके थ्री तक, तो यहाँ पे मेरे को एक रिपीटेड एलिमेंट मिलेगा। तो अगर मुझे थर्ड को इंक्लूड करना है तो मुझे जीरो तक तो मैं ले ही नहीं सकता, जीरो के बाद ही मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर था आया था, इसको मैं राइट मूव करना स्टार्ट करूंगा, कब तक, जब तक मैं इस एलिमेंट को जो रिपीट होने लग गया है इसको एलिमिनेट नहीं कर देता। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा आई यहाँ पे था, मैं आई को नेक्स्ट एलिमेंट पे लूंगा बी पे, मैं जीरो को क्रॉस कर गया तो अब मैं सेफ जोन में आ गया, क्योंकि अब जो मेरी सब स्ट्रिंग है मेरे पास मेरी विंडो के अंदर करेंटली वो है, एक मिनट, हाँ वो है ये वन से लेकर के थ्री तक की, इसमें अगेन कोई रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है। तो मैं फिर से सेफ हुआ, मैं जे को आगे मूव कर सकता हूँ। अब मैं फिर से जे को आगे मूव करना स्टार्ट करूंगा, अब जाएगा वो फोर्थ पे, यहाँ पे हमें मिला बी। अब बी फिर से हमारे पास प्रेजेंट है, बी कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वन के ऊपर। तो मैं फिर से आए को तब तक मूव करूंगा जब तक मैं वन को क्रॉस नहीं कर जाता, क्योंकि अब देखो वन को ही क्यों क्रॉस करना है, अगर वन से आप पहले रह गए तो वन हमारी सबस्ट्रिंग का पार्ट रह जाएगा, यानी बी एलिमेंट हमारी सबस्ट्रिंग का पार्ट रह जाएगा, तो रिपीटिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो केस गलत है। अगर हम वन पे ही आके रुकते हैं तो भी रह जाएगा, ठीक है? अब हम वन को अगर क्रॉस करके काफी आगे निकल जाते हैं, लेट से हम वन को क्रॉस करके टू या थ्री पे पहुंच गए, तो हमने सी को खो दिया, जबकि सी हमारे लिए एक यूनिक एलिमेंट बन सकता था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे इंडेक्स हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमें वन मिल रहा है, तो हम इसके जस्ट नेक्स्ट पे रुकेंगे, क्योंकि हमने जो रिपीटिंग एलिमेंट है, यानी यहाँ पे जो रिपीटिंग एलिमेंट था बी, हमने केवल उसी को एलिमिनेट किया है। तो इसलिए फिर से हम आगे बढ़ेंगे, हम आ जाएंगे आई पे, मतलब सेकेंड इंडेक्स के ऊपर, और ये जो एंट्रीज है ना ये हमारी मैप से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है? अब फिर से हम सेफ है, अब आगे बढ़ सकते हैं। अब डी पे जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था, अच्छा आई एम सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमें इनके नए इंडेक्स भी सेव करने हैं। तो बी का इंडेक्स यहाँ पे फोर सेव हो जाएगा और ए का इंडेक्स हमारे पास थ्री सेव हो जाएगा, ठीक है? अब हमारे डी के ऊपर, डी हमारे पास इस मैप में प्रेजेंट नहीं है तो सेफ स्टेट है, डी को हम उसके इंडेक्स के साथ सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम गए सिक्स एलिमेंट पे, ये वाला जो एलिमेंट है अगेन ये हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है तो ये भी सेफ स्टेट है, बट हम इसकी स्टेट को भी सेव अपने पास सेव कर लेंगे, ठीक है? फिर हम गए एफ पे, इसका इंडेक्स सेवन है, ये भी हमारे पास एफ यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो हम एफ को भी सेव कर लेंगे। फिर हम गए आर पे, यहाँ पे एट, ये भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है मैप के अंदर, ये भी सेफ है,
फिर हम आए ए के ऊपर। अब ये ए हमारे पास प्रेजेंट है, और ए हमारे पास कब आया था, थ्री थर्ड इंडेक्स के ऊपर। तो अगेन हमें आई को मूव करना पड़ेगा, कब तक, जब तक हम इस एलिमेंट को एलिमिनेट नहीं कर देते। तो हम आई को मूव करना स्टार्ट करेंगे, आई हमारा कहाँ पे, सेकंड पॉइंटर के ऊपर है। अब हम आएंगे थर्ड पॉइंटर के ऊपर, अभी भी ए इसके अंदर इंक्लूडेड है, फिर आगे आएंगे बी के ऊपर। अब हमारे पास ए एक्सक्लूड हो गया क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो आ गया बी के ऊपर, ठीक है। तो अभी करंट स्टेट अगर पता है अपनी एरे की, वो क्या होगी, अपनी स्ट्रिंग की, सॉरी, ये हमारी करंट स्टेट है जे से लेकर के ए तक। इसके अंदर हमारे पास कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट यूनिक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली थी, जब हमने यहाँ पे पॉइंटर आई को मूव किया तो हम उसे लेकर आए बी से डायरेक्टली, मतलब सी से डायरेक्टली बी के ऊपर, ठीक है। जबकि सी तो यहाँ पे हमारे कहीं पे इसका जिक्र ही नहीं हुआ था, फिर भी हमने सी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। अब फिर से हमारी स्टेट सेफ हो गई है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब वाई पे जाएंगे, अच्छा यहाँ पे फिर से मैं पॉइंटर्स को मूव करना भूल गया। सी हमारे पास से डिलीट हो जाएगा, ए हमारे पास से डिलीट हो जाएगा, अभी हमारे पास एरे में नहीं है। हम आ गए वाई के ऊपर, जे पॉइंटर आ गया वाई के ऊपर। अब वाई यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, तो वाई की स्टेट सेव कर लेंगे, सेफ है। फिर आएंगे एक्स के ऊपर, एक्स अगेन यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स को भी सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो स्टेट मिली है ना अपन को, ये सबसे सेफ और सबसे लॉन्ग स्टेट मिली है, तो ये हमारी मतलब की है। अब यहाँ पे आता है कि हमने पॉइंटर्स को तो मूव कर लिया, बट हमें एक ऐसे मालूम पड़ेगा कि लेंथ कहाँ पे सबसे हमें मैक्सिमम मिल रही है। हो सकता है इसके आगे फिर से ये विंडो श्रिंक करनी स्टार्ट कर दे, छोटी होनी स्टार्ट कर दे। तो जैसे आप पॉइंटर्स को मूव करोगे, उसके बाद आप उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेना। लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, जे माइनस आई प्लस वन, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अभी जैसे अभी करंट स्टेट की बात करते हैं, अभी हमारा जो आई पॉइंटर है वो है बी के ऊपर, फोर के ऊपर, और हमारा जो जे पॉइंटर है वो है इलेवन के ऊपर। अब आप देखो इलेवन और फोर ये दोनों इंक्लूसिव है, मतलब आपकी जो जो रिजल्ट बन रहा है उसके अंदर फोर से लेकर के इलेवन तक पूरा प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों एजेस प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर आप इलेवन माइनस फोर करोगे तो फोर एक्सक्लूड हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम करेंगे इलेवन माइनस फोर प्लस वन, ठीक है। उसका रिजल्ट कितना आएगा, एट, राइट, एट आएगा ना, हाँ एट आएगा, ठीक है, समझ आया। पूरा फ्लो देख लेते हैं, फिर इस बार समझ में आ जाएगा। बाकी जो बताया उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा ना आपको? बस बस आइडिया लगा, ठीक है। स्ट्रिंग में एक बार लिख लेता हूँ, पूरा क्लियर ही कर लेंगे। या किसी और को कोई और स्ट्रिंग देनी है तो वो बता दो, अपन उसका एग्जांपल ले लेंगे। ये स्ट्रिंग रिपीट करूं या कोई और स्ट्रिंग लेनी है आपको समझने के लिए? सर कोई छोटा सा स्ट्रिंग, कोई भी ले लेते, ठीक है, छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ए बी सी डी ए ई एफ, ठीक है, ये सही है। यस सर, ठीक है। तो अब आई जे बोलता हूँ, अब मान लो आपको जो सबस्ट्रिंग लेनी है ना, उसमें अपन दो पॉइंटर ले रहे हैं। एक को तो अपन ने बोला स्टार्ट, इसको मैं एस से डिनोट करूंगा यहाँ पे, और एक मैंने लिया एंड, ठीक है। तो जो एस पॉइंटर है ना, वो तो आपकी सबस्ट्रिंग की स्टार्टिंग माइन को मार्क करेगा, सबस्ट्रिंग की स्टार्टिंग को, ठीक है। और जो आपका ई पॉइंटर है वो सबस्ट्रिंग की एंडिंग को मार्क करेगा, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। अब सबसे पहले इनिशियलाइज कहाँ पे होंगे, ये भी यहाँ पे, स्टार्ट भी यहाँ पे होगा और एंड भी यहाँ पे होगा, ठीक है। आप लोग ले लोगे मैप के अंदर। सर सर हाँ सर, जो सेकंड वाला ए है उसकी जगह पे सी लिख के कर सकते हैं इसको? हाँ कर लो इसको ना, सी कर दो इसको, ठीक है ओके।
ठीक है, अब हाँ तो अब यहाँ चाहो तो आप पहले एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो आप बाहर से कर सकते हो, अपन बाहर से भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जो आपने इनिशियलाइज कर दिया, आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपकी जो सबस्ट्रिंग है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी अब आपकी सबस्ट्रिंग क्या बन गई है, जब अपन ऐसे की बात कर रहे हैं तो अपनी ये बन गई है, आपका एस की वैल्यू है 0 और ई की वैल्यू है 0। ओके, मैं इंडेक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो किसी ने पूछा था कि प्लस वन क्यों किया, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ई माइनस एस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0, राइट। बट हमारी सबस्ट्रिंग की लेंथ तो 1 है ना, उसमें ए सेव्ड है अभी, तो इसलिए हम ई माइनस एस प्लस 1 करते हैं। जब अपन ई माइनस एस करते हैं ना, तो अपन जो स्टार्टिंग जहाँ पे इसको अपन एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ई माइनस एस प्लस 1 करने से ये आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जिसने पूछा था, राइट। चलो अब जो ए, अब अच्छा एक मैप भी बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा अपन। हाँ, अब जब अपन ने ई को इंक्रीज किया था तो अपन ने यहाँ पे ए के अंदर ये सेव कर लिया था। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं। अभी अपन एक सेफ स्टेट में, सेफ स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे, जहाँ पे अपने पास कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है सबस्ट्रिंग में। तो इसमें अभी कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है? नो सर, नहीं है। ठीक है, तो अपन ई को आगे मूव करते हैं। ई को अपन ने नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव कर दिया। अब ई की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, और अपनी सबस्ट्रिंग हो गई है ए बी। ठीक है, अब अपन ने देखा यहाँ पे बी, बी प्रेजेंट नहीं था तो अपन ने बी को मैप में सेव कर लिया। और अपन ने अब क्योंकि अपन एक सेफ स्टेट में है, तो अपन यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने लिखा 1 माइनस 0 प्लस 1, यानी ई माइनस एस प्लस 1, मेरे पास आ गया रिजल्ट 2। ठीक है, अभी तक सेफ स्टेट है, तो अपन ई को आगे बढ़ाएंगे। अब अपन ने ई को आगे बढ़ाया, ई आ गया 2 के ऊपर, तो यहाँ पे हो गया ई इक्वल्स टू 2, स्ट्रिंग हो गई है ए बी सी। सी देखा यहाँ पे सी प्रेजेंट नहीं है, तो सी की अपन वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। सेफ स्टेट है इसलिए अपन बोलेंगे 2 माइनस 0 प्लस 1, यानी 3 लेंथ हो गई। अब सेफ स्टेट है तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे डी के ऊपर ई की वैल्यू हो गई 3, ये हो गया ए बी सी डी। डी यहाँ पे था नहीं, इसलिए मैंने डी को सेव कर लिया और लेंथ कैलकुलेट कर ली, लेंथ आ गई 4। ठीक है, अब फिर से आगे मूव करेंगे। अब आए अपन सी के ऊपर, यहाँ पे हो गया सी की 4 और सबस्ट्रिंग हो गई ए बी सी डी सी। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कैसे हो गई, हमारे पास सी 2 बार आ रहा है, और ये हमें कैसे मालूम पड़ा, जैसे हम इस पॉइंटर को आगे मूव करते हैं, हम चेक करते हैं मैप के अंदर कि ये जो कैरेक्टर है ये यहाँ पे है क्या, तो सी था 2 के ऊपर, यानी ये एलिमेंट ऑलरेडी मेरी सबस्ट्रिंग के अंदर कहीं पे तो प्रेजेंट है। और उसका इंडेक्स मुझे किस तरह कैसे मिला, उसका इंडेक्स मुझे मिला इस मैप से। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरी सबस्ट्रिंग को ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाला जो रिपीटिंग सी है ये हट जाए। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इस विंडो को जो अभी ए से लेकर के सी तक की विंडो है, यानी एस इक्वल टू 0 से लेकर के ई इक्वल टू 4 तक की विंडो है, इसको छोटा करेंगे। छोटा किस साइड से करेंगे, एस की साइड से। इस केस में एस बढ़ेगा क्योंकि एक अनसेफ स्टेट है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन एस को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हो जाएगा एस इक्वल टू 1। क्या मेरा सी एलिमिनेट हो गया एस इक्वल टू 1 करने पे, ई अभी भी 4 पे ही है, तो यानी मेरी सबस्ट्रिंग है ए बी सॉरी बी सी डी सी। इसके अंदर क्या कोई रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा है? सी आ रहा है, सी है 2 के ऊपर। तो अपन फिर से इसको आगे मूव करेंगे, एस इक्वल टू 2, ई इक्वल टू 4 पे ही है, बी एलिमिनेट हो गया, सी डी सी, एस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी भी सी आ रहा है मेरे पास, और सी कहाँ पे है, इस 2 के ऊपर ही है, तो इसलिए ये भी अनसेफ स्टेट है। तो फिर से हमें आगे मूव करना पड़ेगा, तो एस इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 4, अब स्ट्रिंग हो गई डी और सी, एस आ गया यहाँ पे। अब सी मेरा एलिमिनेट हो चुका है, तो मैं सी को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फिर से एक सेफ स्टेट बन गई है ना, तो अब मैं यहाँ पे फिर से इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ई माइनस एस प्लस 1 का, तो 4 माइनस 3 प्लस 1, 2 आ गई, 2 है इसकी लेंथ, कंफर्म करो। यस सर, राइट, सारे पॉइंटर सही जगह पे है, ये 3 के ऊपर पॉइंट कर रहा है, ई 4 के ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये अभी हमारे पास दूसरी सबस्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब हम फिर से आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम सेफ स्टेट में, तो हम ई को आगे मूव करेंगे, तो ई को आगे मूव किया, क्रिएट कर देंगे ना, क्या
क्रिएट कर देंगे मैप में ना उसका इंडेक्स देखा। हाँ जब हम नेक्स्ट उस पे आए वैल्यू के ऊपर। अच्छा फोर के लिए बोल रहे हो? यस हाँ हाँ फोर का क्रिएट कर देंगे। ठीक है अब हम आगे फाइव के ऊपर, फाइव का भी क्रिएट कर देते हैं। हमारी एस तो है अभी भी थ्री पे, ई आगे बढ़ चुका है, हमारे पास डी सी और ई आ चुके हैं आपकी सब स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है फिर से लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइव माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू कितना हुआ थ्री। ये सेफ स्टेट है तो अगेन हम ई को आगे मूव कर सकते हैं। ई को आगे मूव करा, एफ की पोजिशन क्या आ गई सिक्स, एफ कहीं पे प्रेजेंट था नहीं, एस इक्वल्स टू थ्री है, ई इक्वल्स टू सिक्स है, ये हो गया डी सी ई और एफ। फिर से कैलकुलेट कर लो, सिक्स माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू फोर। ठीक है अब फिर से सेफ स्टेट है, फिर से आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मूव किया तो स्ट्रिंग की खत्म हो गई, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम से मतलब रिटर्न कर सकते हैं अपने फंक्शन से। अब हमारी मैक्सिमम लेंथ आई वो दो जगह पे, एक तो इस फोर पे और एक ये वाली, तो ये दो हमारे आंसर हो सकते हैं। सर ये कहीं पे स्लिप करेंगे ना अपन, कि सपोज करेंगे पहले ही हमको बड़ा स्ट्रिंग मिल गया उसका लेंथ कहीं पे स्लिप करेंगे ना। हाँ एक मैक्स लेंथ फंक्शन, एक मैक्स लेंथ वेरिएबल बना लेना, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको एक ये करना पड़ेगा, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू मैथ्स डॉट मैक्स, उसके अंदर मैक्स लेंथ, और मान लो उसको आप या डायरेक्टली इस वैल्यू को ले सकते हो, नहीं तो इसको अगर मान लो आप लेंथ में स्टोर कर रहे हो तो एल ई एन, तो इसका हर बार मैक्सिमम होता जाएगा। और यहाँ पे एक बार जब फोर सेव हो गया तो आप करोगे फोर और टू का मैक्सिमम फोर रहेगा, फोर और थ्री का मैक्सिमम फोर रहेगा, फोर और फोर का मैक्सिमम फोर रहेगा। ठीक है तो आंसर मैक्स लेंथ की लास्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी फोर। यस सर इसका तो दो वो आंसर होगा ना, एबीसीडी और डीसीएफ। हाँ देखो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुझे तो केवल लेंथ से मतलब है, मुझे मैक्सिमम लेंथ बता दो, तब तो आपका आंसर फोर होगा। अगर उसने बताया कि मैक्सिमम लेंथ की सबस्ट्रिंग्स भी मुझे चाहिए तो आपको सबस्ट्रिंग्स भी स्टोर करनी पड़ेगी। सबस्ट्रिंग्स स्टोर कैसे करोगे, उस टाइम जब ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तब आप पॉइंटर्स की वैल्यू को स्टोर कर लेना, जैसे एस इक्वल्स टू जीरो और फोर हो गई तो आप डिराइव कर सकते हो जीरो से लेकर के फोर तक की, फोर को एक्सक्लूड करना है तो जीरो से लेकर के थ्री तक की हो गई, और अगली वाली कौन सी हो गई थ्री से लेकर के सिक्स, थ्री से लेकर के सिक्स तक की हो गई। ठीक है हेलो सर। हाँ सर यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ में सर पहले से फोर हमारा स्टोर है, और जो हमारा नया फोर आया सर उसमें अगर डालेंगे तो सर रिजल्ट क्या देगा, मतलब पहले से फोर था फोर देगा। अगर क्वेश्चन आपसे केवल मैक्सिमम लेंथ पूछना चाह रहा है तो अपन को फोर से ही मतलब है ना, फोर कहीं से भी आए उससे अपन को क्या करना है राइट। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे जो सबसे पहली मैक्स लेंथ की स्ट्रिंग आएगी, आप मुझे वो स्ट्रिंग प्रिंट कर दो सबसे पहली वाली, तो फिर आपको ये फोर और ये फोर इनकी अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि जो ये वाला फोर होगा ना ये तो डिफाइन करेगा लास्ट की डी सी ई एफ को, और जो पहले वाला फोर होगा ये डिफाइन करेगा ए बी सी डी को। तो अगर आपसे सबसे पहले पूछ रहा है तो आपको ए बी सी डी रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर लास्ट पूछ रहा है तो डी सी ई एफ रिटर्न करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन दिखा रहा उसका मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझ रहा सर, दिखाओगे क्वेश्चन? नहीं पहले एक बार इसको क्लियर कर लो, ये क्लियर है ना सबको? सर सूडो कोड समझ में आ गया सर, कोड नहीं लिखा पा रहा इसका। आप कोड खुद से ट्राई करो, देखो कोड में बता तो दूंगा पर आप ट्राई खुद से करो तभी आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा इसमें डीएसए में। सर ट्राई किया हम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे, मतलब उसको हटाएंगे कैसे पढ़ाएंगे कोड के थ्रू। सर एक आप सूडो बता दीजिए, क्या एक आप करके बता दीजिए फिर हम ट्राई करके देखेंगे। कोड बता दीजिए थोड़ा सा, इसका कोड बताओ। आप स्टेप्स बता दीजिए ना सर, स्टेप्स क्या क्या, मतलब ऐसे थोड़ा सूडो कोड के तरीके से। ठीक है मैं स्टेप्स बता देता हूँ आपको। अपने पास स्ट्रिंग थी ए बी सी डी सी ई एफ, ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको स्टार्ट एस बोल दो उसको, और ये चलो स्टार्ट ही बोल लो, स्टार्ट और एंड नाम के दो पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है। ठीक है अब इनिशियलाइज कहाँ पे करोगे, आपके पास कई सारे ऑप्शन है, कॉल आपको लेना है, या तो आप स्टार्टिंग से पहले इनिशियलाइज कर दो या आप स्टार्टिंग के ऊपर इनिशियलाइज कर दो। ठीक है दूसरी चीज आपको एक मैप बनाना पड़ेगा। मैप क्यों बनाना है, क्योंकि हमें इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट को और इसकी अकरेंस को सेव करना है कि वो लास्ट अकर कहाँ पे हुआ था।
ठीक है, ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड फेज में जो है लॉजिक। तो लॉजिक में आपको क्या करना है, आपको एक वाइल लूप चलाना होगा अब तक जब तक एंड छोटा है स्ट्रिंग की लेंथ से, ठीक है। एक वाइल लूप चलेगा, ये वाइल लूप क्या करेगा, दो कंडीशन बनेंगी। अगर आप सेफ स्टेट के अंदर हो, मैंने सेफ स्टेट की डेफिनेशन आपको बता दी, अगर आप सेफ स्टेट के अंदर हो तब तो आप एंड को इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप लेंथ को कैलकुलेट करोगे, आप जिस नए कैरेक्टर पे आए न्यू कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर को मैप में सेव करोगे, ठीक है। अगर आप अनसेफ स्टेट के अंदर हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे कब तक, टिल यू रीच सेफ स्टेट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस सर, ठीक है। अच्छा, अब जब आप लेंथ कैलकुलेट करोगे ना तो आपको यहां पे एक काम और करना होगा, वो होगा आपको एक मैक्स लेंथ के अंदर, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है यार, मैक्स लेंथ के अंदर आपको जो मैक्सिमम लेंथ आ रही है वो सेव करनी पड़ेगी हर बार, ताकि वो डेटा लॉस ना हो जाए, ठीक है। बस फिर जब जैसे ही आप इस लूप से एग्जिट करोगे, लूप से एग्जिट कब करोगे, जब आपका एंड स्ट्रिंग लेंथ से के बराबर हो जाएगा, यानी आप स्ट्रिंग की लेंथ पे मतलब एफ के बाद पहुंच चुका है आपका एंड, बस यहां से आप रिटर्न कर दो, ये होगा आपका फंक्शन। वंदना बोल रही है वंस मोर, ओके वंदना, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया एक बार बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। वंदना हुआ कॉल पे सर, वाइल के बाद से फिर से बता दो एक बार। ओके सर, मतलब ऐसे डिसाइड कब करें कि वाइल हमें यूज करना है, नहीं तो नॉर्मल फॉर लूप, ये कैसे समझ आएगा? नॉर्मल फॉर लूप यूज कर लो, बट देखो यहाँ पे दो पॉइंटर यूज हो रहे हैं, मल्टी पॉइंटर अप्रोच है, तो दो पॉइंटर को फॉर लूप से चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं, चलो फॉर लूप से भी करके बता देता हूँ आपको। अच्छा पहले वाइल लूप समझ में आ गया ना, तो मैं फॉर लूप से समझाता हूँ आपको। हाँ सर चलेगा सर, वाइल लूप फिर से बता दो एक बार। ठीक है सर, गौरव ने लिखा भी है कि गौरव इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अ फॉर लूप, राइट। आप कोई बोल रहा था, सॉरी। हेलो सर, इंजीनियर। हाँ इंजीनियर सर, फॉर एग्जांपल मैप में अगर उसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट है, जैसे फोर्थ इंडेक्स में सी एग्जिस्ट है ना, प्रीवियस इंडेक्स था सी एग्जिस्ट था जो कि मैप में प्रेजेंट था, अगर हम लोग अपडेट करना तो डिलीट करना पड़ेगा ना सी को, प्रीवियस इंडेक्स को मैप में से। हाँ आप डिलीट भी कर सकते हो, हाँ, वैसे okay, आप ओवरराइट भी कर सकते हो। ओके ओके डन सर, है ना इसको। अच्छा कोई इसको सिंगल लूप में सॉल्व कर सकता है केवल एक लूप से बिना डबल लूप यूज करे? नहीं सर, डबल लूप से मतलब देखा है। ठीक है कोई बात नहीं। यस सर किया था। कौन बोल रहा है, सोनल? यस सर। कैसे कर सकते हो बता सकते हो सोनल सिंगल लूप से? सर सिंगल लूप लगाया था, जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ए सबसे पहले मेंट ए, तो ए का इंडेक्स स्टोर कराया, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम अगर ए मिलता है ना, तो ए जैसे ए के इंडेक्स को चेंज कर दिया, और जो स्लाइडिंग विंडो का जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो भी चेंज किया। जैसे सपोज अब यहाँ पे ए बी सी, सर कोड दिखा दूँ? ठीक है एक बार पहले ये डिस्कस कर ले, फिर आप कोड दिखा देना, मैं लिख लेता हूँ आपको, ठीक है। चलो अब एक बार फॉर लूप से ट्राई कर लेते हैं। तो फॉर लूप से अपन है ना एंड वाला पॉइंटर मूव करेंगे, स्टार्टिंग वाला नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर एंड जीरो, सॉरी एंड जीरो टू स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने ये वाला सिंटेक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये जनरल सुडो कोड का सिंटेक्स होता है। अब आप क्या करोगे, आपने लूप चलाना स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे आप चेक करोगे, पहले तो आप सेफ स्टेट में हो गया, सेफ स्टेट को चेक करोगे। सेफ स्टेट को कैसे चेक करोगे, आपको चेक करना है कि आपका जो करंट कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर क्या होगा, आपका करंट कैरेक्टर होगा
स्ट्रिंग एंड, यहाँ पर करंट कैरेक्टर होगा, ये मैप में है क्या, स्ट्रिंग एंड इज इन मैप, ये आपको चेक करना है। अब इसके दो केस बनेंगे, या तो ये मैप में मिल जाएगा या ये मैप में नहीं मिलेगा। अगर ये मैप में मिल गया तो मतलब आप एक अनसेफ स्टेट में हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। अगर नहीं मिला तो आप सेफ स्टेट में हो। इस केस में आपको क्या करना है, पहले सेफ स्टेट में सबसे पहले तो आप जो एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की पोजीशन को आप मैप में सेव कर दोगे, सेव करंट कैरेक्टर इन मैप, ठीक है, सबसे पहला काम ये करोगे। फिर लेंथ कैलकुलेट कर लोगे और आपकी मैक्स लेंथ को अपडेट कर लोगे, मैक्स लेंथ और आंसर लेंथ जो भी आप बोलना चाहो इसको अपडेट कर लोगे, और उसके बाद आप एंड को, मतलब उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली फॉर लूप आपके एंड पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देगा। अब अगर आप अनसेफ स्टेट में आ गए, यानी मान लो आपका स्टार्टिंग पोजीशन तो ए पे है और आपकी एंडिंग पोजीशन आ गई सी के ऊपर, अलग कलर से लिखता हूं मैं, स्टार्टिंग तो यहाँ पे और एंडिंग आ गई यहाँ पे, तो अनसेफ स्टेट हो गई, क्योंकि अब आपका जब आप चेक करोगे कि ये सी कैरेक्टर मैप में है क्या, मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप एक अलग से एक लूप चलाओगे वाइल सेफ स्टेट, तब तक क्या करोगे आप स्टार्ट को इंक्रीमेंट करोगे, स्टार्ट प्लस प्लस, और दूसरी चीज आप करोगे डिलीट मैप करंट कैरेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप जो करंट कैरेक्टर है उसको मैप से डिलीट करोगे, यानी ए को डिलीट करके बी पे जाओगे और इसको इंक्रीमेंट करोगे, ये दो काम आपको करने। जैसे ही आप सेफ स्टेट से आओगे आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे, फिर से आप इस सेफ स्टेट वाला कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, समझे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ किसी को, अनसेफ स्टेट देखो वंदना ये स्टेट है जब आपके पास डुप्लीकेट कैरेक्टर आपको मिल जाए, ठीक है। मैंने अनसेफ टर्म इसलिए यूज करी ताकि आपको ध्यान रहे कि अनसेफ मतलब ये हमें नहीं करना है, राइट। बाकी इसकी जगह आप डुप्लीकेट अवेलेबल ऐसा कुछ भी आप टर्म यूज कर सकते हो। अनसेफ स्टेट हो गई जैसे ये वाली हो गई, जब आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो आपका पहले ई बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, यहाँ तक आप सेफ थे। जैसे ही आप सी के ऊपर दोबारा आए आप अनसेफ हो गए, क्यों, क्योंकि ये सी ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हमें जो सी है वो मैप के अंदर मिल गया और उसका इंडेक्स हमें मालूम पड़ा 2 है, तो हम स्टार्टिंग जो स्टार्ट पॉइंटर उसको इंक्रीमेंट करेंगे कब तक, जब तक ये सी एलिमिनेट नहीं हो जाता। फिर आपका स्टार्ट बी पे आएगा, फिर सी पे आएगा, फिर डी पे आएगा। जैसे आपका स्टार्ट डी पे पहुंचेगा आप वापस सेफ स्टेट में हो जाओगे, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग रह जाएगी केवल डी और सी, तो आपके पास कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। किसी को भी है किसी को डाउट अभी इसके अंदर? नो सर। किसी को भी हो तो पूछ लो यार, ये सेशन आप लोगों के डाउट्स के लिए ही है। डाउट तो है सर, पर अब खुद से एक्सप्लोर करेंगे इसको। करो खुद से एक्सप्लोर करो, दैट इज जो आप बताए वो उतना समझ में आ गया। आ गया ना, ठीक है। और अगर क्लियर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर दोबारा हमारा सेशन होता है तो उसमें आप दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ सर, एक कल जो सर किसी, हाँ मोहम्मद बहुत नॉइज आ रहा है यार, कोई बोल रहा था कल सर बताए थे लार्जेस्ट एलिमेंट का स्लाइडिंग विंडो पे, तो उस समय सिर्फ हम लोग को सम निकाल कर देना था, लेंथ बतानी थी ना आपको, नहीं उसका सम देना था, लेंथ सॉरी सम देना था, मतलब लार्जेस्ट नंबर का। सो वो हम लोग चाहे उस समय एलिमेंट को भी पता कैसे, मतलब हम लोग चाहे एलिमेंट को भी निकालना है कि कौन एलिमेंट सबसे बड़ा है उसमें। मुझे ऐसे क्वेश्चन पता नहीं है, क्वेश्चन बताओगे क्या यार, इसमें हम लोग सिर्फ लार्जेस्ट नंबर निकाल रहे थे, तो हम लोग को वो एलिमेंट भी चाहिए कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 5, 55 है, 41 है, 4 सब कुछ की सबसे बड़ा है, और इस पे हमारा सम सबसे मैक्सिमम मिल रहा है, सो हम लोग ये एलिमेंट भी निकालना चाहे तो वो कैसे निकलेगा। एक मिनट आपको ये एरे दे रखे, अब आपको इसमें क्या निकालना है,
मतलब इसमें था कि विंडो स्लाइड करके और हम लोग को लार्जेस्ट सम निकालना था, तीन डिजिट का, सपोज सॉरी टू डिजिट का लार्जेस्ट सम निकालना था। सो उस केस में हम लोग सिर्फ सम तो निकल जा रहा है, पर हम चाहे कि वो एलिमेंट भी हमको पता चले कि कौन सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। हाँ तो उसमें आपको क्या करना है बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है देखो, जब आप लाइन नंबर 437 पे, एक मिनट स्क्रॉल अप करो वापस। कौन सा है? ये वाला कोड। ठीक है, मेरे पास नोटेशन का ऑप्शन आ नहीं रहा इसमें यार। चलो कोई नहीं, आपने एक एरे बनाई है, के क्या है, के कितने एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, हाँ तो देखो अब आपने क्या करा है, आपने जब सम इज ग्रेटर देन मैक्स ये वाला फंक्शन लिखा है लाइन नंबर 463 पे, ठीक है yes, तो यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो कि जो मेरी करंट विंडो का सम है वो मैक्स से बड़ा है क्या, मतलब अभी तक जो मुझे पास्ट में सबसे बड़ा सम मिला है उससे बड़ा मिल रहा है क्या मुझे। ठीक है yes. बस यहीं पे आपको दो लाइन और ऐड करनी है, वो दो लाइनें क्या होगी, स्टार्ट और एंड, इन दोनों का आपको इनिशियलाइज करना है। स्टार्ट तो देखेगा आपके स्टार्टिंग मतलब विंडो के स्टार्टिंग पॉइंट को, और एंड देखेगा आपके विंडो के एंडिंग पॉइंट को। बस जैसे आप यहाँ पे मैक्स सेव कर रहे हो वैसे आप स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन भी सेव कर लोगे उस विंडो की, मतलब चार डिजिट को, मतलब जैसे यहाँ के वैल्यू चार है तो चारों डिजिट सॉरी चारों नंबर वो रिटर्न आना चाहिए। और रैंडम नंबर है कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देखो जैसे ही आप इस फॉर लूप में 460 लाइन वाले फॉर लूप के अंदर एंटर कर रहे हो आपके पास जे और के इनिशियलाइज्ड हैं। जे तो क्या है आपका जो विंडो खत्म हो रही है वो बता रहा है, और जे माइनस के आपकी विंडो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है वो बता रहा है। ठीक है yes. यानी आपके पास विंडो की स्टार्टिंग और विंडो की एंडिंग है। जब आप 463 में एंटर कर गए तब आपने देखा, आपने चेक किया कि जो मेरी करंट विंडो का सम है वो पुरानी विंडो से बड़ा है क्या। अगर विंडो से बड़ा है तो मतलब ये वो विंडो हो सकती है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नया वेरिएबल मतलब पहले से इनिशियलाइज करके रखोगे जिसका नाम होगा स्टार्ट, और एक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा एंड। जैसे आप आपने मैक्स के अंदर इस करंट सम की वैल्यू सेव करी है वैसे आप स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट की और एंडिंग के अंदर ये जे ये सेव कर लोगे। तो ये वेरिएबल कब है, चार डिजिट तो एक वेरिएबल में नहीं सेव कर सकता है। चार क्यों करनी है, आप अभी जैसे सम निकाल रहे हो तो आपने चार डिजिट सेम कर सेव का सम निकाल रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे चार डिजिट का सम निकाला तो मेरे को उस चारों डिजिट पता चलना चाहिए कि वो चारों डिजिट है मतलब। हाँ तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको, जैसे अब आपने सम निकाला है तो आपने हर बार चार डिजिट का सम थोड़ी निकाला है, आपने क्या किया आपने आगे वाले मतलब वो चार डिजिट का एक तरह से ये मतलब। आप समझ नहीं रहे बात, मैं आपको कह रहा हूँ जब आप कौन बोल रहे हैं। हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ, जब के विंडो की साइड विंडो का साइज दे रखा है कि k इज इक्वल टू 4 विंडो होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर देते हैं लास्ट वाला ऐड कर देते हैं, ये लॉजिक होता है राइट राइट। लेकिन सर जब सब विंडो दे नहीं रहे, विंडो मतलब दे ही नहीं है, विंडो गिवन नहीं है और एक एरे दे रखा है उसमें से ये पूछा मैक्सिमम सम आपको बताना है कि कौन से सब स्ट्रिंग का मैक्सिमम सम होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे जब विंडो ही नहीं दिए तो। एक मिनट, अब आपको एक एरे दे रखी है और आपको बोला मैक्सिमम सम बता दो उसका बस। यस सर। है ना, तो देखो अगर पॉजिटिव एलिमेंट्स है तो पूरी एरे का सम ले लो। यस सर राइट सर, बट सर पॉजिटिव नहीं है तो। नेगेटिव है तो उसके लिए एल्गोरिथम होती है कार्डिनस एल्गोरिथम, आपको बताएंगे आगे वो एल्गोरिथम यूज होती है। नहीं सर, तो क्वेश्चन तो सर हमें वही वाला दिया है अभी, मतलब के स्लाइडिंग विंडो से वही क्वेश्चन करना है। कौन सा वाला? जो मैंने सर अभी बताया आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिए तो कार्डिनस एल्गोरिथम ही है यार, स्लाइडिंग विंडो से चलती है कार्डिनस एल्गोरिथम। तो सर उसका लॉजिक क्या होएगा, मतलब वही तो सर समझ नहीं आ रहा है, स्लाइडिंग विंडो है ना। नहीं सर तो जो अभी अपन ने किया है ना वही चीज आपको करनी है। ठीक है, आपको दो पॉइंटर लेने। हाँ सर। ठीक है,
राइट वाला पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा तब आपके पास वैल्यूज ऐड होंगी। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ अच्छा खासा। यस सर, यस राइट। फिर से वही चीज जाओ, सेफ और अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट कब है? जब आपका सम बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तब तो आप अपना राइट वाला पॉइंटर शिफ्ट करोगे। जब आपको लग रहा है कि मेरा सम कम हो रहा है तो अपना लेफ्ट वाला पॉइंटर शिफ्ट करोगे। अब एक चीज और नोट करो, राइट वाला पॉइंटर हमेशा एक बार एक डिजिट से शिफ्ट करते हैं, एक एलिमेंट से। yes, लेकिन लेफ्ट वाला पॉइंटर हम तब तक शिफ्ट करते हैं जब तक हम सेफ स्टेट में नहीं आते। राइट, ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। तो सर सेफ और अनसेफ ये कैसे लॉजिक लगाऊंगा मैं सेफ में कब हूं कि वो आइडेंटिफाई करो कि आप क्या जो चाहते हो आपकी ये हो वो तो सेफ स्टेट हो गई। जैसे हम चाहते थे स्ट्रिंग के अंदर कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती जाए, है ना, तो जब बढ़ रही थी हम खुश थे, वो सेफ स्टेट थी। yes, लेकिन sir. जैसे हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिलता था वो हमारी कंडीशन को वायलेट करता था, तो हम उसे अनसेफ स्टेट बोलते थे। yes, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन को क्या वायलेट करेगा? नेगेटिव नंबर। यस सर, राइट। लेकिन एक लॉ और है इसके अंदर, अगर आपके पास मान लो ऐसे है 5, 2, -1 और 3, ठीक है, चार एलिमेंट्स एरे में, 5, 2, -1, हाँ, तो इस एरे का जो लार्जेस्ट सम पॉसिबल है वो है 5 + 2 + -1 + 3। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस वन को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास 3 को इंक्लूड करने का भी स्कोप है। माइनस वन तो केवल एक डिजिट से वैल्यू गिरा रहा है, लेकिन 3 तीन वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, तो नेट इफेक्ट +2 हो जाएगा। yes, तो ये वाली चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अनसेफ स्टेट को डिफाइन करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो अगली बार बताई देंगे आपको। yes, मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा इसमें। जितना आप सोचोगे ना आपका उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर इंटरव्यूज के अंदर जरूरी थोड़ा आपको करा हुआ क्वेश्चन आए। यस सर, तो सर सेफ स्टेट मेरे केस में वो वाली हो जाएगी जब मैक्सिमम सम मिल रहा होगा मुझे, अनसेफ वो वाली जब मेरा मैक्सिमम सम से वो कम होगा, लेस देन होगा। हाँ, मतलब सेफ तो जब तक हमारा सम बढ़ रहा है तब तक हम खुश हैं, सेफ स्टेट है। yes, लेकिन sir. जब हमारा सम कम होना स्टार्ट हो गया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वहां पे। yes, ये सम कम क्यों हो रहा है? लेकिन सर पहले केस में मेरा मतलब मेरा सम जो है मैक्सिमम है, अब मैं नेक्स्ट आने वाले डिजिट में क्या करूंगा, उसको डिलीट करूंगा प्रीवियस एलिमेंट्स को, तो आने वाले टाइम में क्या पता मेरा सम मैक्सिमम जो सम था उससे कम रह जाए। वही तो सोचना है आपको, जैसे 5, 2, -1, 3 है, आप 5 पे आए ठीक था, 2 पे आए ठीक था, -1 पे आए, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार -1 को इंक्लूड करूं कि नहीं करूं। ठीक है, चलो आपने इस होप में कर लिया कि क्या पता मुझे आगे अच्छा सम मिल जाए, क्योंकि 5, 2 तक का आपने सेव कर ही रखा है। अब -1 को आपने इंक्लूड किया तो 5 + 2 = 7 था, -1 करने से 6 हो गया। ठीक है, फिर आप अगले एलिमेंट पे गए, 6 + 3 = 9 हो गया, राइट। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे -1 के आगे कुछ नहीं होता, या -1 के आगे मान लो -2 होता, तो क्या करते? तो उसको भी इंक्लूड करते, क्योंकि क्या पता -1, -2 के आगे +7 मिल जाए। राइट, राइट। लेकिन मान लो नेगेटिव चला जा रहा है, -1 आ गया, -2 आ गया, -18 आ गया, अब क्या करोगे? तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इफेक्ट पड़ रहा है ज्यादा, नहीं तो -18 के आगे +100 भी तो सकता है। -1 आया, उसने हमारे सम को 6 किया, ठीक है, मैं खुश हूँ भाई, मेरे पास एक कम हो रहा है, हो सकता है मेरे पास से 10 रुपए गए, 100 रुपए आ भी तो सकते हैं। फिर -2 आया, फिर मेरे पास से 200 रुपए गए, 1000 रुपए आ भी तो सकते हैं। लेकिन -18 आ गया, अब -18 के अंदर क्या हुआ, मेरी जेब तो खाली हो गई, मैं उधारी में और चला गया। यस सर, मतलब मेरा टोटल था 7 में से -1, -2, -18 यानी 7 - 21। तो इस पूरे का 5 से लेकर के -18 तक का सम कितना रह गया? -21। यस सर, कितना रह गया? 7 - 21 -14। तो ऐसा सौदा तो करना ही नहीं जहाँ पे घाटा हो जाए, तो आप लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप 5, 2 को ले भी रहे हो और उसके बाद के नेगेटिव ले रहे हो इस होप में कि आगे पॉजिटिव मिल जाएगा, तो भी इस पूरी यूनिट का सम नेगेटिव ही हो रहा है। तो अगर आपको आगे पॉजिटिव मिल गया ना, तो ये हराम खोर उसे और खा जाएंगे। ऐसे है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना इसके अंदर कि आपको लेफ्ट वाला पॉइंटर कब शिफ्ट करना है और राइट वाला पॉइंटर कब शिफ्ट करना है। इसमें पूरी की पूरी बात ही है कि जो आपकी विंडो है ना वो कैसे शिफ्ट हो रही है। जो ये वाला जैसे अभी क्वेश्चन है जो उपेंद्र ने स्क्रीन शेयर कर रखी है, इनके वाले क्वेश्चन के अंदर ये विंडो की साइज फिक्स्ड है। अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होते ना तो हमें डर नहीं था, क्योंकि हमारी विंडो उसी साइज की रहेगी। यस सर, लेकिन यहाँ पे विंडो फ्लेक्सिबल है, तो राइट और लेफ्ट को कब शिफ्ट करना है इसका ध्यान देना है बस आपको, बाकी क्वेश्चन सेम है। यस, ठीक है। उपेंद्र आप बोल रहे थे, उपेंद्र क्लियर? हाँ। ये तो नहीं हुआ सर, पर तो क्या डाउट है बताओ।
मतलब इसमें मैं पूछ रहा था कि इसमें यहाँ पे मैंने उसको दो एलिमेंट कराया सिर्फ और ये ब्रूट फोर्स से किया, तो इसमें दो मतलब यहाँ पे हमने ये एलिमेंट को जो सम कराया है तो जो एलिमेंट को सम कराया है और वो मैक्सिमम से मतलब मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट रहता है, सो उस एलिमेंट को भी अपन रिटर्न कराना चाहते हैं। हाँ तो एक काम करो, इस वाले को एक बार कमेंट कर दो जो आपका वो था ना ऑप्टिमाइज कोड, उस पर चलो, उसमें मैं आपको एक बार चेंजेस बताता हूँ, चेंजेस करो अपन चला रन करके देखते हैं ना क्यों डाउट में रहे। ठीक है चलो नीचे आओ, अब एक काम करो लाइन नंबर 465 पे एक चीज ऐड करो, 465 हाँ, एक और नीचे ब्रैकेट है उसको भी अनकमेंट कर लो, कंसोल लॉक को मत करना बस इसी को कर दो। ठीक है अब 465 पे आओ, यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है अब ब्रैकेट ओपन करके पहले तो लिखो J माइनस के आई लिख रहे हो आप, ठीक है अब लिखो कॉमा लगा के J, इसके अंदर J-K कॉमा J ब्रैकेट के अंदर, अब कॉमा लगा के लिखो मैक्स, अब रन कराओ उसको, अभी कोई एरर आपके पेज में, लास्ट में जाओ एंड के अंदर बिल्कुल, ये एरर क्यों आ रहा है आपके में, एक मिनट एक ब्रैकेट और शायद लगेगा, एक काम करो यार इस कोड को है ना यहाँ से 474 से उठा के एक बार दूसरी फाइल में कॉपी कर लो, इसमें कोई एरर है, कोई ब्रैकेट वगैरह आपने क्या अनकमेंट कर रखा है। हाँ बस इतना सही कोड उठा लो ना 449 तक, इसको दूसरी फाइल में कॉपी पेस्ट कर लो, वहां पे रन कर लेते हैं। हाँ कॉपी कर लो, एक फाइल बना लो इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है यहाँ पे पेस्ट करके इसको रन करा लो। क्या आया? आया, तो ये 8 और 12 जो आ रहे हैं ये आपकी सब एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटर है। अच्छा जो 1053 समय कौन सा सब एरे दे रहा है बता सकते हो? कौन सा सर? ये देगा ना, कौन सा? ये यहाँ से 1 से लेके वन से लेकर के, इस वन का इंडेक्स क्या है बता सकते हो? वन का इंडेक्स है लेंथ माइनस 4, नहीं इंडेक्स बताओ ना, इंडेक्स 8 इंडेक्स है, 8 वन का 8 है, यस सर, फिर से काउंट करना एक बार, 0 1 2 3 4 9 है यार, 9 है ना, वही तो, हाँ 9 है, और जो 999 है इसका क्या है? हाँ सर 9, 999 का क्या है? 12, 12 सर, 12 है, अब आपको जो नीचे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो 8 और 12 मिल रही है? यस सर 8 12, तो ये वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू आ गई आपका जो सब एरे है जिसका सबसे ज्यादा सम है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग। अब मान लो एक सब एरे की मैंने आपको एक कहीं से भी कोई इंडेक्स दे दिए 2, तो आप उसको स्प्लिट करके बाहर निकाल सकते हो? यस सर, अगर मैंने आपको एक एरे के अंदर से एक सब एरे निकालने को बोला, उस सब एरे की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता दिए, तो उसको बाहर निकाल सकते हो ना, उसको प्रिंट कर सकते हो अलग से? यस सर, यस सर, बस वही तो करना है आपको, मिल गया रिजल्ट? यस सर, ठीक है बस अब यहाँ पे करना क्या वो बता देता हूँ, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बोला है। लाइन नंबर 17 के अंदर, जैसे लाइन नंबर 16 पे आपने एक मैक्स वेरिएबल बनाया, ये आपका जो सबसे अभी तक का सबसे बड़ा सम आया उसको स्टोर करेगा, ठीक है? Yes. ये किस वैल्यू के अंदर, ये कौन सी कंडीशन में अपडेट हो रहा है? ये उस कंडीशन में अपडेट हो रहा है जब आपका सम बड़ा है पुराने मैक्स से, है ना? Yes. तो इसी कंडीशन में, इसी इफ के अंदर आपको 2 वेरिएबल और ऐड करने हैं, एक तो स्टार्ट, उसमें तो आप सेव कर दोगे J-K,
और एक एंड जिसमें आप सेव करोगे जे। ये दोनों आपकी जो सब एरे है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटर होंगे और ये उसी कंडीशन में अपडेट होंगे जब आपके पास एक बड़ा सम आएगा। फिर बस जब आप इस फॉर लूप से बाहर निकल जाओ तब आप उस स्टार्टिंग और एंडिंग से मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक की एरे को प्रिंट करा देना। हाँ सर वैसी कर सकते। हाँ क्लियर हो गया ना। फिर दूसरा लूप लगा कर लूँ सर। हाँ दूसरा लूप भी लगा सकते हो, स्लाइस फंक्शन भी यूज कर सकते हो दो बार। हाँ सर दूसरा लूप से वो निकाल सकता मैं उसको वहां से लेटिल में जहां से स्टार्ट हुआ फिर हाँ वो भी कर सकते हो। ये कुछ भी यूज करो, ये लीनियर मेथड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इन सब की लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है। यस ठीक है, और किसी को कोई डाउट? अच्छा क्लियर हो गया ना। यस किसी को डाउट है? राइट सर, एक बस सॉल्यूशन है, बस एक क्वेश्चन नहीं समझ रहा है सर वो। स्टॉप कर सकता हूं? हां स्टॉप शेयरिंग कर लो आप। थैंक यू। प्रदीप आप स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन बता दो। हाँ सर मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। सर बस ये क्वेश्चन समझ नहीं रहा सर मुझे। ठीक है, तो जैसे अभी आपने विंडो वाली अप्रोच यूज करके एक ऐसी सबस्ट्रिंग निकाली थी जिसमें सारे एलिमेंट यूनिक थे। हाँ ठीक है, अब आपको ऐसी सबस्ट्रिंग निकालनी है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो यूनिक है उनका काउंट के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, के से इक्वल होना चाहिए कि के से कम भी चलेगा? मतलब नहीं, के इक्वल होना चाहिए, आई एम सॉरी, के इक्वल होना चाहिए। हाँ। तो रिपीटिंग एलिमेंट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यूनिक एलिमेंट के से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है एबीसी, एबीसी तीनों यूनिक एलिमेंट्स है। हाँ ठीक है, तो आपने पहले आपका जो काउंट दिया वो दिया दो, यानी आपके पास किसी भी सबस्ट्रिंग में दो से ज्यादा यूनिक एलिमेंट नहीं होने चाहिए। आपने ए को लिया बी को लिया, दो हो गए। हाँ पहला आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सबस्ट्रिंग क्या बन सकती है? बी और सी। हाँ ठीक है, अगर मान लो बी सी के बाद ए भी होता तो बी सी ए बन जाती, सॉरी बी सी बन जाती फिर सी ए बन जाती। हाँ क्योंकि फिर से सी और ए यूनिक हो गए। हाँ अब सी ए के बाद डी भी होता तो फिर ए डी और बन जाती, वो अलग बनती। हाँ हाँ वो अलग बन जाती। तो आपको उनका काउंट बताना है कि ऐसी कितनी यूनिक सबस्ट्रिंग्स यहाँ पे हैं। हाँ सर, तो फिर इसका आउटपुट थ्री कैसे दे रहे हैं सर, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट? वो नहीं समझता हूँ। ए वन ठीक है, थ्री ऐसे दे रहे हैं। आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग ढूंढनी है जिसमें एक से ज्यादा यूनिक कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ पहला ए एक हो गया। हाँ दूसरा ए एक हो गया। अब आपका सवाल है तीसरा कहाँ से आया? अगर आप ये पूरी की पूरी ए से लेके ए तक की यानी पूरी सबस्ट्रिंग ले लो तब भी तो यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर तो केवल ए ही है। हाँ तो वो भी तो एक हुआ। नहीं समझा सर, मतलब यहाँ पे देखो अगर आप डबल ए लेते हो। हाँ तो डबल ए में कितने यूनिक कैरेक्टर है? वो सेम है तो यूनिक कैसे हुए सर? यूनिक कैसे हो जाएगा सर जब सेम है तो? ए, हाँ दो में तो ए कितने यहाँ पे? अच्छा एक लिखा, एक यूनिक ऐसा। हाँ जितने भी ए है ना आपके पास, ए को आप एक एंटिटी मानोगे, जितने भी बी है उनको एक एंटिटी मानोगे, तो आपके पास ए कितने हैं और बी कितने उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ए और बी ही होने चाहिए, उसमें सी नहीं आ जाना चाहिए अगर अपन दो की बात करें तो। तो वैसे यहाँ पे अपन ए की एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जब आपने डबल ए लिया तो यहाँ पे कितने भी ए हो लेकिन केवल ए ही है, ए के अलावा किसी और का राज नहीं है यहाँ पे, तो ये भी एक सबस्ट्रिंग हो गई जिसके अंदर केवल वन यूनिक कैरेक्टर है। प्रदीप लास्ट वाला टेस्ट केस खोलना भाई। हाँ सर ये भी देखो, ये पांच कैसे आ रहा है सर, मुझे एक भी टेस्ट केस समझ नहीं आ रहा सर इसका। ठीक है पांच कैसे आ रहा है, दो चाहिए ना आपको। देखो सबसे पहले डबल ए बी। हाँ फिर ए बी, क्या क्या सर? डबल ए बी पहले ए बी फिर ए ए, मतलब ए ए बोल रहे हैं यार। एनोटेशन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पे? सर मेरे इसमें आ रहे कि इनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। हाँ एनेबल करो, एनेबल करो फिर। कर दिया ठीक है, थैंक यू। हाँ तो देखो सबसे पहला तो हो गया आपका ए ए बी, इसमें यूनिक कैसे कौन कौन से कैरेक्टर है? ए है दो बार। हाँ बी है एक बार, काउंट कितना हुआ? दो। हाँ फिर हो गया ए बी सर, पर लेंथ भी टू से इक्वल नहीं चाहिए क्या इनको?
नहीं 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 वही वही तो फ्लॉ है ना, ये बोल रहे हैं कि आपके पास कैरेक्टर कितने भी, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं ए की एक कैटेगरी बनाऊं, बी की एक कैटेगरी बनाऊं, तो ऐसे कैटेगरी दो ही बननी चाहिए, ठीक है? तो एक हो गया बी ए, फिर हो गया ए बी ए, और एक हो गया डबल ए पी ए, ऐसे हो गए पांच, 1 2 3 4 5। सर क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर सारे अलग अलग टाइप के दिए हैं सर, अभी लास्ट वाला और अलग है। ठीक है बस स्क्रॉल करो, नहीं नहीं क्वेश्चन पे जाओ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। हाँ यार तो अभी क्या बोल रहा है, गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स, इतना समझ में आ गया लोअर केस अल्फाबेट्स है। हाँ ये अपन को क्लियर हो गया, स्ट्रिंग किस चीज की, लोअर केस अल्फाबेट्स की है। काउंट ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स, यानी सारी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स निकालनी है, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, मतलब एक जैसी भी हो सकती है डिस्टिंक्ट भी, हमें उससे मतलब नहीं है। दैट हैव एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, ये टर्म है जिस चक्कर में क्वेश्चन चेंज हो गया। के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल रहा हूँ ए और ए, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह के कितने कैरेक्टर है, केवल एक ही तरह का कैरेक्टर है, ए टाइप का ही है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ ए ए बी सी, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कितने कैरेक्टर है, यहाँ पे तीन तरह के कैरेक्टर हुए, कौन से, पहला तो ए टाइप का कैरेक्टर है, फिर बी टाइप का कैरेक्टर है, फिर सी टाइप का कैरेक्टर है। हाँ है ना। तो वैसे अगर अपन बात करें इस एग्जाम्पल की ए ए बी ए, तो यहाँ पे कितने टाइप के कैरेक्टर है, यहाँ पे दो टाइप के कैरेक्टर है, कौन से, एक तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया, ठीक है? हाँ सर। दो ही टाइप है ना, इसके अलावा और कोई टाइप का कैरेक्टर है यहाँ पे? नहीं सर, दो टाइप है ना, दो ही टाइप के। अब दो टाइप के यहाँ पे, केवल दो टाइप के कैरेक्टर को यूज करके कितनी स्ट्रिंग बन सकती है। अगर मैं लिखता हूँ ए, तो यहाँ पे तो केवल एक टाइप का कैरेक्टर हुआ। अगर मैं लिखता हूँ ए, अभी भी एक ही टाइप का कैरेक्टर है। अब मैं लिखता हूँ बी, तो यहाँ पे अब दो टाइप के कैरेक्टर हो गए, ए ए बी। हाँ अगर मैं लिखता हूँ ए बी, तो भी यहाँ पे दो टाइप के कैरेक्टर हो गए। अगर मैं लिखता हूँ बी ए, तो दो टाइप के कैरेक्टर है। अगर मैं लिखता हूँ ए बी ए, तो कैरेक्टर टोटल तो तीन है, लेकिन टाइप तो दो है, एक तो बी है और एक ए है, राइट? फिर अपन लिखे ए ए बी ए, तो यहाँ पे अपने पास दो टाइप के कैरेक्टर है, ए और बी, राइट? यस यस। ठीक है। हाँ अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। तो और भी बन सकते हैं ना सर वैसे? तो ये सॉल्व कैसे होगा सर, ये कौन सी अप्रोच लगेगी सर इसमें? लगेगी तो स्लाइडिंग विंडो ही, अब सोचो कैसे होगा। अच्छा सो सर इसको बता दीजिए, सिर्फ एक बार ये ए का फिर से बता दीजिए। क्या ए है? बस तो इसका आउटपुट तीन है, पहला क्या हो गया ए, हाँ, और इनको ए ये वाला, हाँ, दूसरा हो गया ये वाला ए। हाँ दोनों में एक ही कैरेक्टर है ऐसा, इसलिए एक ए ए। तो ये जो हो गया, इसकी तो हो गई कि आप जीरो से लेकर के जीरो तक, ये हो गया वन से लेके वन तक, ये हो गया जीरो से लेके वन तक। बट सर ये डिस्टिंक्ट कैसे हुआ, ए और ए तो सेम हो जाएगा ना, डिस्टिंक्ट कैसे? हाँ तो एक ही डिस्टिंक्ट है ना, ये कितने डिस्टिंक्ट चाहिए आपको, एक ही डिस्टिंक्ट होना चाहिए उसमें। अच्छा सेम है ना, तो एक ही तरह का कैरेक्टर है। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर अगर आप हम डिफाइन करें, टाइप ऑफ कैरेक्टर, और अपन बोले कि ए इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, बी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, सी इज अ डिफरेंट, एंड अप टू जेड इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे केवल इसी टाइप के कैरेक्टर मिल रहे हैं ना आपको। तो सर ये जो नीचे वाला ए, सॉरी नंबर में है वन नंबर, सो ये सिर्फ कैरेक्टर बता रहा है कि वो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है? हाँ, नहीं वो ये बता रहा है कि आपको कितने टाइप के, मतलब कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का निकालना है। सर क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन पे स्क्रॉल करो वापस। इसी में अगर ए ए बी होता तो हो जाता है, एक बी अलग से सॉल्यूशन बन जाता है, नहीं चार होते। सर बट यहाँ पे के की वैल्यू वन होनी चाहिए ना, अगर आपको दिया आप है, ए ले रहे हैं तो वहाँ के की वैल्यू टू हो जाएगी। अगर के वन दिया है और आपको दिया है ए ए बी, तो ये बोल रहा है कि आपको इसमें ऐसी सबस्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी है जिसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वन होना चाहिए। ए बी नहीं सर, ए केवल। क्या ए ए केवल जो आंसर दिख रहा है ना अभी, यही के की वैल्यू वन और जो स्ट्रिंग है ए। हाँ तो आ तो गया थ्री आपके पास, बताया ना के की वैल्यू वन होने पर कैसे थ्री होंगे भाई? एक बार तो आप ये वाला कैरेक्टर ले लो, ए हो गया आंसर, एक बार ये वाला ले लो, ए हो गया आंसर, एक बार ये दोनों ले लो, तो ए हो गया आंसर।
देखो के डिस्टिंक्ट पे फोकस करेंगे तो के की वैल्यू 1 ही रहेगी। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या लेंगे, दोनों टाइम ए लेंगे तो के की वैल्यू 1 रहेगी। हाँ दोनों टाइम आपने ए लिया तो एक बार तो ये ए लिया, एक बार ये ए लिया, तो ये एक सबस्ट्रिंग है, ये एक सबस्ट्रिंग है। अगर आप देखो तो ये एक सबस्ट्रिंग है, ये एक सबस्ट्रिंग है, ये दोनों सेम थोड़ी है। सबस्ट्रिंग पे ये वाला इसका जो इसकी जो मतलब पोजीशनिंग है वो कैसे है, 0.0। इस वाले की कैसी है, 0.1। इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1 है, तो अलग अलग पोजिशन पे है ना। ओके सर क्लियर हो गया ना सबको ये। हाँ वन का मतलब यहाँ पे सब सेम होना चाहिए ऐसा, इन शॉर्ट यहाँ पे वन मतलब, वन का मतलब, हाँ वन का मतलब उसके अंदर एक ही टाइप के कैरेक्टर मिलने चाहिए आपको। हाँ वही सब सेम चाहिए मतलब, अगर ए है तो बस ए ही होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए। अगर दो होता तो आप दो टाइप के कैरेक्टर ले लो, दो डिफरेंट टाइप के। वन डिस्टिंक्ट मतलब सब सेम चाहिए, टू मतलब के डिस्टिंक्ट। हाँ ठीक है सर। सेकंड वाला केस सर समझा दीजिए, सेकंड वाला केस में वही था, सेकंड वाला यही है सेकंड। अच्छा ये सेकंड, अच्छा ये मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताओ और बताएगा। मैं ट्राई करता हूँ सर पर पता नहीं सही आएगा। हाँ बताओ बताओ। हाँ सर ठीक है, तो दो दो डिस्टिंक्ट चाहिए। ठीक है तो ए बी में दो दो है। ठीक है आपने पहला बताया ए बी, ओके, और बी ए में एक दो है डिस्टिंक्ट, राइट, और ए बी ए में भी दो डिस्टिंक्ट है, राइट। इसमें भी हमें दो मिल रहे हैं, कौन से, ए और बी। इसमें भी हमें दो मिल रहे हैं ए और बी, इसमें भी दो मिल रहे हैं ए और बी। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये होता ए बी ए सी अब कितने होते, दो डिस्टिंक्ट ना, तो इसमें ऐड होता ए सी। ठीक है ए सी हो जाता है ऐड, और बस ए सी होता शायद, बस राइट यही होता, क्योंकि अगर आप ये बी ए सी लेने की कोशिश करते हो तो तीन हो गए है ना, ए बी बी ए और ए सी, बस नहीं सर ए बी होता, ए बी ए होता, और ये चार होते ना बस, बी ए होता, ए सी होता, बी ए होता और ए सी भी होता। बी सी सबस्ट्रिंग हुई, बी और सी नहीं, बी सी नहीं होता, सिर्फ ए सी बीच में कैरेक्टर है क्या पे सर। और ये सबस्ट्रिंग में कभी लास्ट और फर्स्ट साथ में नहीं पकड़ते ना सर, मतलब सी ए कुछ नहीं ना, मतलब लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूएशन में होने चाहिए सबस्ट्रिंग में, आप ऐसे रैंडम नहीं उठा सकते सर। ये ओ ऑफ एन में हो पाएगा? हाँ हो जाएगा ये। कैसे सर ओ ऑफ एन में बता दो, क्योंकि वो नहीं हुआ ओ ऑफ एन में। ये भी होगा तो स्लाइडिंग विंडो से। अब वो इस, अब ये सोचो कि अनसेफ स्टेट कौन सा। अच्छा चलो मैं आपको सेफ का हिंट देता हूँ, अनसेफ का आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। एक बार क्लियर ऑल कर लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं, ए बी ए सी डी। अच्छा दिख रहा है ना क्लियरली सबको, या ब्लैक यूज करूं? चलो ब्लैक ले लेते हैं। नहीं सर दिख रहा है, ठीक है। ए बी ए सी डी ए ई बी। अब बताओ इसके अंदर कैसे करोगे। मान लो आपका के मैंने दिया है आपको 3, तो सेफ स्टेट क्या होगी, आप बढ़ाते चलो जब तक अपन को वो मिल रहे हैं। यहाँ पे अपने पास कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 हो गए। ये अपने पास सेफ स्टेट आ गई पहली। अब मैं बढ़ाऊंगा डी पे, तो अब कितने हो गए, ए बी ए सी डी, ए डी ए और ए बी सी और डी, चार टाइप के हो गए, ये अनसेफ स्टेट बन गई। समझा किसी को, या अभी समझ नहीं आया? मतलब मैप की लेंथ 4 हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी, 4 हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ। तो उस टाइम आप क्या करोगे, अनसेफ स्टेट में अपन लेफ्ट पॉइंटर को अंदर मूव करते हैं। तो अब ये वाला पॉइंटर अंदर आएगा, इस ए को बाहर निकाल देंगे, फिर भी अपन अनसेफ स्टेट में है क्योंकि अपन ने ये डी तक लिया हुआ है ना, फिर बी को बाहर निकाल देंगे, फिर भी अनसेफ अनसेफ सॉरी अनसेफ स्टेट है ना, अनसेफ स्टेट है क्या? नहीं सर, हाँ सर, क्योंकि चार डिस्टिंक्ट अलग अलग है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है सी डी, तो ए सी डी ये क्या था, ए सी डी होगा ना सर, अगर बी बी निकालने के बाद सेफ हो जाएगा ना, सेफ हो जाएंगे, बी निकालते ही सेफ हो जाएंगे, ए सी डी हो जाएगा। अब सेफ होने के बाद क्या है, अपन राइट वाले को आगे बढ़ाएंगे, ए सी डी ए हो गया। अब सेफ स्टेट है, अनसेफ स्टेट है, अनसेफ है, अनसेफ है, सेफ
नहीं नहीं सेफ है सेफ है सेफ है अभी 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 सेफ है क्योंकि हमारा फोर डिस्टिंक्ट नहीं आया ना, तीन तक तो ले सकते हैं ना। कौन से तीन? एसीडी एसीडी पे है अभी हम। अब हम गए अगले ए सी डी ए और ई पे। अब जैसे हम ई पे आएंगे वो अनसेफ हो जाएगा। ठीक है तो क्या करेंगे? हम ए पे ए को बाहर कर देंगे। अब सी डी ए को बाहर कर देंगे। सी डी ए लिखते लिखते टेढ़ा लिखने लग गया। सी डी ए ही हो जाएगा। ठीक है अब सेफ है अनसेफ है? अब चार कैरेक्टर अनसेफ है। अनसेफ है अनसेफ है। क्या करेंगे? अनसेफ है। अब एक बार और अब सी को भी बाहर कर देंगे। डी ए हो जाएगा। डी ए हो जाएगा। अब सेफ है अनसेफ है? अब सेफ है सर। अनसेफ है। अच्छा नहीं नहीं सेफ है। सेफ है सेफ है। कोई बोल रहा है अनसेफ है? ए थ्री तो बोले यार सर। डी ए ई भी नहीं नहीं सिर्फ डी ए ई। अच्छा एक जना पूछ रहा है कि सेफ और अनसेफ क्या होता है? सेफ स्टेट क्या है और अनसेफ स्टेट क्या है? कोई भी बता दो यार। सेफ स्टेट अपनी के की कंडीशन मैच हो रही है और अनसेफ अपनी कंडीशन मैच नहीं हो रही। कितना ही है बस। टेंस क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है राइट। तो अब अपन डीएई के साथ सेफ पे अनसेफ पे? प्रिंस बताएगा। सेफ पर है। ठीक है चलो सेफ में। तो क्या क्या मूव करेंगे? लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला मूव करेंगे सर। बी पे आएंगे। हो जाएंगे डी ए ई बी पे। अब कोई मत बोलना। प्रिंस सेफ है अनसेफ है? सर एक बार अप्रोच समझ नहीं पड़ रही है। समझो समझो यार इसलिए तो हो यहाँ पर। डी ए ई बी है अपना के था थ्री मतलब अपन को एक बार में तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही चाहिए। तो डी ए ई बी में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है? अनसेफ हो जाएगा। समझ में प्रिंस आपको? अनसेफ हो जाएगा। सर मगर ना ये जो हम करेंगे हमें बार बार जो हम ये हैश मैप से होगा या ऑब्जेक्ट से तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ हम नहीं फाइंड कर सकते। ऑब्जेक्ट में आपको लेंथ क्यों फाइंड करनी है? मैप में भी आप लेंथ फाइंड नहीं कर सकते ऐसे। तो आपको तो बस ये सेफ करना है कि मेरे पास ए कब आया था जीरो पे, बी कब आया था वन पे, वापस ए आ रहा है वो कब आ रहा है टू पे, फिर हम मेरे पास सी आया ये कब आया मेरे पास थ्री पे, अब डी आया मेरे पास ये कब आया फोर पे। सर और मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे जैसे हर स्टेप पे सेफ आएगा तो वो एक एक स्ट्रिंग सेफ भी करनी पड़ेगी ना क्योंकि वही देनी रिटर्न में। सॉरी उसका नंबर देना है। सॉरी नंबर देना। स्ट्रिंग रिटर्न करनी है केवल काउंट रिटर्न करना है? सिर्फ आउटपुट देना है स्ट्रिंग में। हां तो जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना लेंथ, बस वो लेंथ निकाल लो। अच्छा तो सेफ आएगा तो काउंट प्लस करूं ऐसा कुछ करूं क्या सर? सेफ आएगा सेफ के केस के अंदर आपको एक तो लेंथ लेनी है ठीक है और राइट पॉइंटर को मूव करना है, राइट वाले को मूव करना है। अनसेफ के अंदर क्या करना है आपको? एक मिनट। अनसेफ में आपको क्या करना है? आपको लेफ्ट वाले को मूव करना है अब तक टिल यू रीच अ सेफ स्टेट। अरे तो लेंथ तो चेक हो जाएगी सर। ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट लेंथ अगर के से बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम। ऐसा कर सकते हैं ना हर लाइन पे कर सकते हो? ऑब्जेक्ट डॉट कीज मतलब इस ऑब्जेक्ट का नाम समझो ओबीजे है तो ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे ग्रेटर देन ये हो गया तो प्रॉब्लम। ऐसा कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट नहीं अगर मान लो आप ए बी ए सी पे हो ठीक है तो ए की ये अक्रेंस भी तो एक इसको थोड़ी भूल जाओगे आप। हाँ तो वो ए में अपडेट हो जाएगा ना ए का काउंटर टू हो जाएगा ए टू बी वन और सी वन हो जाएगा तो चलेगा। हाँ हाँ सही है ना वो कीज का लेंथ बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम। बस कीज की लेंथ से मत करना इसको इंडेक्स से करना। हाँ वही मतलब है ना। ठीक है तो राइट और लेफ्ट की कंडीशन आपको पता चल गई, मैप की कंडीशन पता चल गई। जब अपन डी ए ई बी पे आए तो फिर से अनसेफ हो गई तो फिर से अपन इसको लेफ्ट मूव करेंगे अपन हो जाएंगे फिर ए ई बी पे। हाँ सर अगर इस वाले स्ट्रिंग में हमारा ये सी और ए के बीच में जो डी है अगर हम यहाँ पे बी रखते हैं तो ये हमारी ए बी ए सी बी ए हम इतनी लंबे स्ट्रिंग इंक्लूड करेंगे अपने सेफ में ए बी ए सी बी ए ये बोल रहे हो कितने ए बी ए सी? हाँ तीन ही है ना ये तीनों इंक्लूड? हाँ सर हैं तीन ही है। तो हाँ। अच्छा तो मतलब स्ट्रिंग के लेंथ ही नहीं मैटर करती बस हमें थ्री डिफरेंट वर्ड्स देखने हैं बस। राइट थ्री डिफरेंट लेने लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना ए बी ए सी पहली स्ट्रिंग बनेगी। काउंट लेना है ना आपको तो? हाँ हाँ ये फर्स्ट हो जाएगा ये। हाँ
हाँ तो अच्छा यहाँ पे श्रिंक करते टाइम भी आपको काउंट लेना पड़ेगा और इंक्रीज करते टाइम भी आपको काउंट लेना पड़ेगा। सेफ हो गया तो काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा और अनसेफ हो गया तो भी काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा। कब? जब आप श्रिंक कर रहे हो। ठीक है, देखो जब आप अनसेफ स्टेट में आओगे और लेफ्ट पॉइंटर मूव करेगा तब भी तो हो सकता है ना कि आप एक स्ट्रिंग से पास कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप तो क्या एक कंडीशन लगा लो, जैसे ही सेफ स्टेट आई चाहे मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ चाहे राइट मूव कर रहा हूँ मैं काउंटर बढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट के केस में भी काउंटर बढ़ाऊंगा और राइट के केस में काउंटर बढ़ाऊंगा तो ये पॉसिबिलिटी है मैं कि सेफ सब की सेम सब स्ट्रिंग को मैं दो बार गिन लूं? नहीं सर शायद। क्यों? अगर सब एलिमेंट सेम रहे तो हो सकता है। नहीं, क्योंकि जब भी हम काउंट करेंगे या तो मेरा राइट बड़ा होगा या मेरा लेफ्ट बड़ा होगा तो सेम सबस्ट्रिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मान लो मेरा लेफ्ट जीरो पे है और राइट फाइव पे है तो या तो मेरा फाइव बढ़ेगा या मेरा जीरो बढ़ेगा, तो मैं जीरो और फाइव पे तो दोबारा कभी आ ही नहीं सकता। समझ लो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपका लेफ्ट पॉइंटर जीरो पे है और राइट पॉइंटर आपका सी पे है। ठीक है, अब आपने इनको बढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या कि आपका लेफ्ट और राइट सेम पोजीशन पे दोबारा आ जाए? नो सर, नहीं हो सकता ना। तो काउंट तो फिर आपका सेम सबस्ट्रिंग दोबारा काउंट होगी, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। सर इसमें तीन बार कैसे होगा? पहले ए पे जाएंगे फिर एक लेंथ हो गई फिर ऐसे मत लिखो सर, इसको आप ऐसे लिखो ए ए का इंडेक्स वैल्यू जीरो फिर दूसरे के इंडेक्स वैल्यू वन फिर पहले जीरो वाला हो गया फिर वन वाला हो गया फिर जीरो और वन वाला हो गया, तीन ऐसे लिखो। ठीक है, ए जीरो ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, पहले आए यहाँ पे, पहले आई जीरो पे रखा। ठीक है, तो आपको पहले स्ट्रिंग मिल गई ए जिसका था 0.0 फिर आपने जे को मूव किया, सेफ स्टेट थी इसलिए आपने जे को मूव किया तो आपकी हो गई स्ट्रिंग ए 0.1 ठीक है। अब यहाँ पे हम मैं ये चीज बोल रहा था कि जब हम सेफ होंगे तो भी हमें लेफ्ट मूव करना राइट मूव करना पड़ेगा क्लोजिंग पे। अब हम टेक्निकली हमारा जे लास्ट पॉइंटर पे आ गया, जे आगे नहीं जा सकता तो आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, आएगा यहाँ पे अब हम वन वन हो जाएगी ए 1.1 अब समझे? ठीक है समझे, अच्छा इसमें समझ गए। लेकिन जब ये होगी ना ए बी डी बी इसमें दिक्कत आएगी, यहाँ पे आप दिमाग लगाना कैसे होगा सर? अगर अब वो समझ में आ जाएगी ना तो वहां तक वो पहुंच जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब आई और जे को स्टार्ट भी सेम पोजीशन से करना और एंड तक दोनों को ले जाना है। देखो ये जो स्टार्टिंग वाली बात होती है ना, ये आप बिल्कुल सही बोलो, स्टार्ट एक पोजीशन से करना है एंड तक लेके जाना है। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियरली बोल दूं, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है इसमें बाद में, मैंने आई और जे दोनों जीरो पे स्टार्ट करे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, मैं आई और जे दोनों को इंक्लूसिव रखता हूं इसलिए मैंने जीरो पे स्टार्ट करे। कई लोग आई को एक्सक्लूसिव रखते हैं, कई लोग जे को एक्सक्लूसिव रखते हैं, तो आपको हो सकता है ऐसा कहीं पर आप सॉल्यूशन पढ़ो तो ऐसा मिले कि आई तो -1 से स्टार्ट हो रहा है जे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, या आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है जे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, या आई -1 से स्टार्ट हो रहा है और जे -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, या तो जे को काउंट नहीं कर रहा होगा या वो जे को काउंट दो बार कर रहा होगा, मतलब आई को भी काउंट कर रहा होगा, ऐसे केस होते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे वैसे करना। मिला था -1 वाला? हाँ सर, मतलब चेक आउट किया तो -1 लेके किया था, फिर मुझे समझ नहीं आया लेकिन अभी क्लियर हुआ है ना। देखो ये आपकी मर्जी, आपको स्टार्ट कहां से करना है सर? अगर -1 लेंगे तो इसका मत, सर सपोज अगर हम आई -1 लेंगे और जे 0 लेंगे तो इसका मतलब है कि हम उस समय आई को इंक्लूड ही नहीं कर रहे ना? राइट, आई इंक्लूडेड नहीं है। ये ऐसी बात होगी, आपको स्केल पे मेजरमेंट लेना है 5 सेंटीमीटर का, तो तरीका तो क्या होता है, 0 से स्टार्ट करो और 5 से 5 तक जाओ। लेकिन आप कर तो ये भी सकते हो ना कि 1 से लेकर के आप 6 तक चले गए, वो भी तो 5 सेंटीमीटर ही दे रहा है। हाँ तो ये आपकी इच्छा पे कि आपको 1 से 6 नापना है या 0 से 1 0 से 5 नापना है। सर ये मीडियम लेवल का कि हार्ड लेवल का सम होगा? ये इजी और मीडियम के बीच में आता है। अरे नहीं सर ऐसा थोड़ी, क्यों हार्ड लग रहा है? नहीं यार हार्ड नहीं है, लीड कोड पे चेक कर लो, वेरी हार्ड मैप, एक्सट्रीम हार्ड में। देर में समझ, क्वेश्चन इतनी देर में समझ में आया है सर? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, कम से कम मीडियम तो होगा ही सर।
हाँ मीडियम भी हो सकता है, ये इजी भी बोल सकते हो। अरे सर इजी नहीं बोल सकते सर, गीक्स फॉर गीक पे मीडियम है और लीड कोड पे हार्ड है सर। ये हार्ड है जब हम कर लेंगे, जब हम इसको कर लेंगे ना फिर हम जब जब कहेंगे ना हम लीड कोड इजी होगा ना सर। नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे को लीड कोड पे मीडियम का ध्यान था। चलो कोई नहीं, आपको हार्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हार्ड शायद इसलिए कि आपको पॉइंटर ऐसे मूव करने पड़ेंगे ना, उसकी वजह से हार्ड है, बाकी लॉजिक तो इसका इजी है। चलो अच्छा, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से तो एन स्क्वायर भी हो सकती है। कैसे सर? क्योंकि मतलब जो आपने कोड लिखा उसमें तो नहीं होगी, बट जो मैंने सॉल्यूशन करा था ना उसमें तो जितना एन है मतलब लेंथ है स्ट्रिंग की, उसका एन इंटू एन बाय टू तक मतलब ट्रेड कर रहा है, तो मतलब एन स्क्वायर तो नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि देखो आई और जे दोनों केवल राइट साइड मूव कर रहे हैं, है ना। इस चीज पे ध्यान रखो कि आई और जे दोनों केवल राइट साइड मूव कर रहे हैं, हर एलिमेंट से केवल एक बार पास हो रहे हैं, कोई ऐसा केस ही नहीं कि वो वैल्यू रीसेट हो, ये आई पीछे जाए वापस, है ना। तो उसका मतलब ये टू टाइम टू एन तक चल रहा है बस, तो टू एन तक जा सकता है मैक्सिमम। हेलो सर, जे को वापस आई तक ले जाता था जे को, हाँ तो आपने आप उसको रीसेट कर रहे हो ना बार बार, मतलब हाँ, तो उस वजह से वो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई यार। वो देखो टू पॉइंटर ने क्या किया यहाँ पे आपके लिए, वो जो जैसे अपने ट्यूजडे को डिस्कस किया था ना टू सम के अंदर, कि आपको क्या है बार बार आई से लेकर के एंड तक, फिर आई प्लस वन से एंड तक, फिर आई प्लस टू से एंड तक, ये चेक करना पड़ता राइट। बट आपने टू पॉइंटर अप्रोच करी तो हमने उस क्वाड्रेटिक को लीनियर कर दिया, तो सेम चीज यहाँ पे, जो आपने ब्रूट फोर्स बताई ना वो क्वाड्रेटिक है, तो हम टू पॉइंटर से एक ऐसा केस डेवलप कर रहे हैं जहां पे हम इसको लीनियर टाइम में कर पा रहे हैं। ओके सर, ठीक है। हेलो हेलो सर, हाँ गौरव सर, थोड़ा टाइम ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते सर, वो बताएंगे आप? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम? टाइम नहीं सर, स्पेस। स्पेस तो जो आप मेमोरी यूज कर रहे हो ना वो होती है। देखो बहुत निकालना काफी इजी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे अगर आपके पास एक एरे है, ठीक है, आप हर एक एलिमेंट को एक एक बार सेव कर रहे हो मैक्सिमम वर्स्ट केस के अंदर, तो आपकी लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। यस सर, कुछ क्वेश्चन में ना सर, मतलब मैं देख रहा था उसमें कुछ में सर वो कॉन्स्टेंट पे दिखा रहे हैं सर फोर लूप लगा के, और वही सेम चीज सर कुछ पे वो लीनियर पे जा रही है सर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एग्जांपल दिखाओ यार, ऐसे समझ नहीं आएगा सर। सर अगर एक एरे पे तीन बार फॉर लूप चलाया तीन बार, तो उसका क्या रहेगा, स्पेस या टाइम? स्पेस ही सर, अलग अलग फॉर लूप है, मतलब एक के अंदर एक नहीं। देखो फॉर लूप में आपको क्या मेमोरी कहाँ लगती है? फॉर लूप में आपको केवल जो आपने वेरिएबल लिया इंडेक्स को मार्क करने के लिए आए, उसके लिए मेमोरी लगी आपकी? हाँ बस वही लगी। तो बस एक ही चीज लग रही है, अगर आप उसे ऐसे नॉर्मली गिन पा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपकी एरे की लेंथ चाहे 50,000 हो चाहे 5 हो चाहे 500, वो एक एलिमेंट ही यूज होगा, तो एक कांस्टेंट होती है वाला केस। और सर अगर नेस्टेड है तो उस समय तो बी वो भी कांस्टेंट होगी? नहीं तब भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि अब आपके पास दो वेरिएबल हो गए आई और जे। अच्छा, और सर बिग ऑफ एन कब होगी फिर सर? बिग ऑफ एन होगी जैसे मान लो आपने एक एरे का डुप्लीकेट बनाया, या मान लो आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया कि जब भी कोई इवन एलिमेंट आ रहा है एरे में आप उसे एक दूसरे एरे के अंदर कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो वर्स्ट केस क्या हो कि आपकी पूरी एक ही पूरी एरे सारे इवन नंबर से भरी पड़ी है, तो पूरी की पूरी एरे का डुप्लीकेट बन जाएगा राइट। जैसे सर हम सबसेट वगैरह क्रिएट करते हैं सर? हाँ सबसेट बोल सकते हो आप, एक सबसेट लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी का होता है यूजुअली, बट अगेन वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा, तो उसके ऊपर आप ऐसे याद मत कर लेना कि वो हमेशा लीनियर ही होगी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन तो शेयर कर दूंगा बट मैं बताऊं क्या, कोई क्वेश्चन का एग्जांपल दो तब तो मैं समझा पाऊंगा।
सर ये काफी दिन पहले पढ़ा था सर, अब अभी तो नहीं किया ना सर ये, पर उसमें देखो स्पेस और टाइम को समझने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, जितनी बार समझ आ गया सर। हाँ जिसको भी समझ नहीं आया कोई कंफ्यूजन है ना, वो क्या कर रहे हो, जितनी बार भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आप उस टाइम उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करके लिख लो, ठीक है, फिर किसी से भी आप चेक करा लो या किसी प्लेटफॉर्म पर चेक कर लो, तो आपको उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में स्पेस और टाइम आपकी कब ठीक हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है सर, बस वो कांस्टेंट ही होती है सर मैक्सिमम टाइम, तो सर बिग ऑफ एंड कभी कभी होती है, वो कंफ्यूज कर रही थी सर। अगर आप मैट्रिक्स बना रहे हो यानी टू डायमेंशनल एरे तो एन स्क्वायर जाती है, या अगर आप जैसे सबसेट ले रहे हो, सबसेट के अंदर आप दो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो एन स्क्वायर जा सकती है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। या और किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा सोनल, आपको सिंगल लूप में सॉल्व करने वाले थे ना क्वेश्चन वो कॉल पे? यस सर। हाँ तो एक बार स्क्रीन शेयर करके बता दो आप कैसे कर रहे थे आप सिंगल लूप में। सर मैंने वो कर रखा है सॉल्व ऑलरेडी, वो ही दिखा दूं क्या मैं आपको? हाँ करा हुआ दिखा दो, एक मिनट सर। अच्छा जिसको है ना वो पुराना वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ ना, सबसे पहला जो अपन डिस्कस किया था, वो इस सॉल्यूशन को थोड़ा इग्नोर कर देना, वो पहले एक बार उसको प्रॉपर्ली ग्रास्प करना, उसके बाद ये वाला ट्राई करना। सर जो मल्टी पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो है सर, ये सेम है क्या दोनों चीजें? नहीं नहीं, मल्टी पॉइंटर का तो मतलब होता है कि आप मल्टीपल पॉइंटर से आप अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो का, स्लाइडिंग विंडो जनरली मल्टी पॉइंटर से सॉल्व होता है, पर हर मल्टी पॉइंटर क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो नहीं होता। तो पता कैसे लगेगा सर ये क्वेश्चन किससे होगा सर? मत दिमाग लगाओ, जैसे आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना आपको फील आ जाएगी क्या लगाना है, वो फील आएगी जब प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लोगे। ये मत सोचो कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगानी है, आप क्वेश्चन देखो और आपको उस टाइम सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या लग रही है वो देखो। सर ये किया था ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या किया कि जो विंडो की लेंथ रहेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए दो वेरिएबल्स बना लिए कि स्टार्ट कहाँ से होगा एंड कहाँ पर होगा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब यहाँ पे वाइल लूप लगाया, लास्ट तक चलेगा ये जब तक हमारी लेंथ तक नहीं पहुंच जाती है विंडो का एंड। तो अभी क्या होगा, पहले सबसे पहले तो अगर वो अनडिफाइंड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, अगर मैंने वैल्यू 1 असाइन कर दी तो वो ट्रू फॉल्स ले लेता है, तो इसलिए मैंने अनडिफाइंड लिख दिया कि अगर ये नहीं है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो जैसे अभी हमारा है ए, तो ये यहाँ पे एक की बना देगा ए के नाम से, और इस ए में मैंने इंडेक्स को स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद अभी जो पॉइंटर रहेगा वो लाइक नेक्स्ट, अभी जैसे उसकी लेंथ जो जाएगी मतलब अब जो विंडो का एंड है वो यहीं पर है, तो उसको मैंने प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जो ली है अभी जीरो ली है, तो अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एंड से स्टार्ट को माइनस करके, तो अभी लेंथ इसकी वन हो जाएगी, यहाँ पे मैंने पहले ही प्लस कर दिया इसलिए, तो अभी ये जीरो था यहाँ पे वन हो जाएगा, तो इसकी लेंथ यहाँ पे वन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये लूप जब फिर से चलेगा तो यहाँ पे बी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से लेंथ कैलकुलेट होगी, उसके बाद सी जाएगा, और जब उसके बाद फिर से ए जाएगा ना तो वो एल्स पार्ट में जाएगा, तो एल्स पार्ट में ये देखेगा, हाँ सर एल्स पार्ट में देखेगा कि ये जो ए, अगर ये इसका जो इंडेक्स है, अगर ये सपोज जो हमारी अभी विंडो की स्टार्टिंग है अगर उसके बाद में आ रहा है ए, तब तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब एक केस ऐसा आया था सर टेस्ट केस जहां पे ऐसा हो रहा था कि लास्ट में भी ए था, तो वो कह रहा था कि रिपीट हो रहा है तो वो उसको काउंट नहीं कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया कि अब क्या करेगा जब ए इसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पे
जो एंड जो उसकी वैल्यू है ए की वैल्यू, अब वो चेंज कर दी मैंने यहाँ पे राइट ऑब्जेक्ट के अंदर, ए का जो इंडेक्स था वो चेंज कर दिया। उसके बाद इंडेक्स चेंज कर दिया तो क्या था, फिर मैक्सिमम लेंथ जो थी ये भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो क्या किया था मैंने, हाँ इफ मैक्सिमम लेंथ को यहाँ पे ये भी ये थ्री ही रहेगी अभी के लिए, तो उसके बाद ये आगे जाएगा मतलब यहाँ पे इस वाले केस में अभी ये इसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि स्टार्ट जैसे विंडो स्टार्ट हो रही थी अभी जीरो से स्टार्ट हो रही थी, तो ये क्या करेगा कि अभी इसको यहाँ पे मिलेगा ए, तो ये ए का इंडेक्स जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है उस इंडेक्स को चेक करेगा। अब इसका जीरो मतलब इसका जो इंडेक्स स्टोर है वहां पे जीरो इंडेक्स स्टोर है, तो वो क्या करेगा कि अब जीरो पे तो उसको मिल गया, इट मींस कि विंडो की जो स्टार्टिंग है वो वन से करनी है। तो जितना भी उसका इंडेक्स रहेगा उसमें प्लस वन कर दिया कि विंडो को उससे एक आगे इंडेक्स से शुरू करो। राइट सही है लॉजिक आपका बिल्कुल। उसके बाद अच्छा, आपका जो कोड पार्ट है ना, हाँ हाँ सुनील मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हो, आप बस एक और कोशिश करना, जो आपने कोड लिखा है ना उसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना। लॉजिक वाइज सही है, थोड़ा कोड में रिडंडेंसी है तो थोड़ा सा वो क्या है कोशिश करना उसको रिड्यूस कर सको तो ठीक है। मेरा मतलब ये है देखो लाइन नंबर राइट ठीक है मैथ डॉट मैक्स लगा के ओके सर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट होती है लीनियर ही है इसकी, नहीं कॉन्स्टेंट टाइम में तो आप कर ही नहीं सकते ना इसको ओके नहीं ये मैथ डॉट मैक्स की जो रहती है वो ऑर्डर ऑफ वन होती है ना। हाँ इसकी ऑर्डर ऑफ वन होती है सर। ओके मैंने भी किया है मतलब एक सिंगल लूप में। ओके कौन बोल रहा है, तरुण तरुण राइट लॉजिक यही था आपका भी सर। मैं अभी अपना देख रहा था तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं एक बार शो करता हूँ आप। हाँ कर लो स्क्रीन शेयर आप। तो सर मैंने इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें कंसोल कराई है तो इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है। तो सर जैसे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि लेंथ 8 थी स्ट्रिंग की, वो कितनी बार इटरेट हुआ है 26 टाइम, तो वो मतलब थ्री टाइम्स इटरेट हुआ है उसकी लेंथ से, तो इस टाइम तो ये मतलब बिग ऑफ एन ही रहेगी। हाँ बिग ऑफ एन ही रहेगी। एक बार लूप पे जाना वापस मतलब वो कोड के ऊपर। हाँ ऊपर जाओ वापस, देखिए आपने वाइल लूप यूज किया है, पी क्या चीज है। अच्छा पी आपने काउंट के लिए लिया कितनी बार लूप इटरेट हो रहा है। ठीक है और सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर जैसे ये लाइन नंबर 9 पे मैप बनाया ना सर, लाइन नंबर 9 पे हाँ, तो अभी इसमें सारी ऑकरेंस आएगी सर, मतलब जो एलिमेंट कितनी बार आया सर, ऐसा होगा ना। नहीं नहीं इसके अंदर पोजीशन आएगी ना। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा सर, मतलब मैं जनरल केस बोल रहा इस क्वेश्चन के लिए नहीं सर। ठीक है बोलो। जैसे वो की वैल्यू पेयर्स में सर बन जाता ना सर इसके अंदर जाके, जैसे ए कितनी बार आया है वो, अभी सर जैसे इसमें स्पेस होता है तो स्पेस भी आ जाता सर इसमें, अगर स्पेस कैरेक्टर होता स्ट्रिंग के अंदर तो। हाँ सर अगर स्पेस होता तो वो भी आ जाता ना सर, और वो काउंट भी कर रहा होता उसे। हाँ काउंट कर रहा होता अभी उसे रिमूव करना है तो सर, मतलब रेजेक्स यूज करते ना सर हम उसके लिए, अगर वो स्पेस रिमूव करना हो। हाँ आप रेजेक्स से रिमूव कर सर, हम इसमें ऐसा करते ना एक कंडीशन सर कोड से हो जाएगा सर वो। एक सेकंड एक बार में एक एक जना बोलो, पहले कौन बोल रहा है, गौरव हाँ आपका बोलो।
सर मैं बोल रहा हूँ वो जैसे रेजेक्ट से यूज करके स्पेस रिमूव कर रहे हैं सर, वो कोड से हो जाएगा सर? मतलब हाँ कोड से हो जाएगा रेजेक्ट से। नहीं सर रेजेक्ट से तो आप यूज नहीं करना है, रेजेक्ट यूज नहीं करना है तो फिर आपको इंडिविजुअली कैरेक्टर्स रिमूव करने पड़ेंगे, जैसे आई थिंक व्हाइट स्पेस के लिए या तो स्ट्रिप या ट्रिम कमांड होता है। नहीं सर ट्रिम से तो साइड का होगा, साइड की जाती है। बीच का बीच के लिए फिर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा पहले तो इक्वल्स टू के ऊपर और फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सर मान लो मैंने स्प्लिट किया सर, तो स्प्लिट से तो सर ये सारे एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आपको ज्वाइन फंक्शन यूज करना पड़ेगा और ज्वाइन के लिए जो बीच में देना है उसमें आपको खाली स्पेस देनी पड़ेगी, मतलब सर कुछ भी नहीं नल कैरेक्टर। सर ऐसे नहीं कर सकते कि इफ कंडीशन लगा के हो जाए सर, वैसे तो नहीं होगा ना? इफ कंडीशन आप लगा के करोगे तो फिर आपको सारे कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली दूसरी एरे में तो पुश करो या फिर आप स्ट्रिंग में से उसको रिमूव करो, बट वो बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होगा क्योंकि मान लो अगर हर एक कैरेक्टर स्पेस है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। सर इसमें देखो ना सर, इसमें मैंने क्या करा कि ये सारा कोड तभी चलेगा जब वो कैरेक्टर नॉन मतलब स्पेस नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा या स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा तभी चलेगा ये कोड। अरे नहीं नहीं भाई इसके लिए नहीं कह रहा मैं, वो तो? मतलब जब तू करेगा ना ऑकरेंस वाला वो की वैल्यू पे तो उसमें तो आ ही जाता है ना, इस क्वेश्चन के लिए नहीं ना मैप तभी बनेगा ना, मतलब अगर वो स्पेस नहीं होगा तभी उसको की बनाएगा वो। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग में दिया होता तेरे को स्पेस इनपुट में, हाँ तो उसी के लिए तो क्या है मैंने ये कि स्ट्रिंग के आईथ एलिमेंट पे अगर स्पेस है नहीं है तो ही उसको उसको काउंट करे। स्पेस को करने की कोई जरूरत ही नहीं ना, स्पेस मतलब भी तो कुछ होता है ना, स्पेस मतलब कुछ एम्प्टी चीज थोड़ी होती है। नहीं मतलब बट इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि सारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे तो स्पेस का। अरे इस क्वेश्चन के लिए नहीं पूछ रहा सर मैं समझ गया आप जो पूछ रहे हो, आप अकरेंस वाले केस में पूछ रहे हो ना, या मान लो आपको अकरेंस काउंट करनी है उसमें स्पेस आ रहा है बट हमें स्पेस एक्सक्लूड करनी है तो हम क्या करेंगे? हाँ हाँ वही पूछ है ना, तो आपने एक तो रेजेक्स का ऑप्शन बोला, दूसरा फिर आपने बोला कि मैं स्पेस से एक्सेप्शन लगा सकता हूँ कि इक्वल्स मतलब वो स्पेस आए तो उसको इग्नोर कर दो आगे बढ़ो, राइट? यस सर। हाँ वो सही बोल रहा हूँ मैं आपको बस ये बता रहा था कि आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, एक फंक्शन और है, अगर मान लो आपको एक स्ट्रिंग दे दी उसमें बोला कि इसमें से सारी स्पेस एलिमिनेट कर दो तो क्या करोगे, मैं वो बता रहा था आपको। हाँ वो सही बोल रहा हूँ ज्वाइन करके ना। हाँ ठीक है लीड कोड का यूआई चेंज हो गया। हाँ सर नया अपडेट हुआ सर, स्क्रीन भी बड़ा कर सकते हैं अभी, बहुत कुछ है। अच्छा ये बढ़िया है यार, अभी लाता करने। ठीक है किसी को अब कुछ पूछना है? और सर ये साइज की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है? कौन सा फंक्शन है साइज? सेट डॉट साइज देखो एरे डॉट लेंथ होता है ना वो तो कॉन्स्टेंट होती है सर, हैश मैप में होता है साइज। साइज हाँ तो साइज फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं नहीं जैसे प्रॉपर्टी तो कॉन्स्टेंट ही होगी ना, प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी लीनियर कैसे हो सकती है, उसमें तो कोई वैल्यू सेव्ड है ना। सर ये जो मैंने हैश ऑन प्रॉपर्टी यूज किया है इसको मतलब कोड लिखते हैं तो इसको इनबिल्ट फंक्शन मानेंगे कि ये मतलब एक नॉर्मल चीज है? हाँ इनबिल्ट है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होती है, ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन होता है उसमें की चेक करने के लिए। नहीं सर वो तो ठीक है बट जैसे हम DSL लिखते हैं तो हम कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करते, बट ये तो एक मतलब क्या बोलते हैं इसको मतलब कांस्टेंट टाइम में वैल्यू दे देता है। हाँ आप कोई नहीं हैज ऑन प्रॉपर्टी कांस्टेंट में दे देता है क्योंकि ये मैप की प्रॉपर्टी होती है, मैप कांस्टेंट टाइम में की को आइडेंटिफाई कर लेता है,
ये आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जब आप कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, तो आप बोलते हो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये फंक्शंस है जो इस डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। या तो आपको अगर मान लो आपको बोलते कि भाई आप पूरा मैप फंक्शन ही खुद का बनाओ, तब आप ये यूज नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि आप मैप यहाँ का यूज कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज भी इसकी यूज करोगे, राइट? वो चीज है। हाँ सर, तो फिर वही क्वेश्चन हुआ फिर से कि मैप डॉट साइज ये इनबिल्ट हो गया ना फिर? हाँ इनबिल्ट हो गया, तो यूज करो ना, इसको क्या दिक्कत है। हाँ सर यूज तो करेंगे सर, फिर वही क्वेश्चन हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ फिर इसका? मैं बताता रहा हूँ, अगर मैप डॉट साइज में भूल गया, मैप डॉट साइज में अगर वो की है ना, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी है ना, तब तो वो कॉन्स्टेंट टाइम की है, और अगर वो फंक्शन है तो वो लीनियर है। फंक्शन का मतलब है उसको रियल टाइम में कैलकुलेट करके आपको बताएगी। ओके ओके ठीक है। तो फिर इंडेक्स इंडेक्स ऑफ और ये साइज फिर इसका तो सॉरी डॉट लेंथ और इसका तो कॉम्प्लेक्सिटी सेम होना चाहिए ना? नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि देखो arr डॉट लेंथ क्या करता है, एरे की लेंथ हमें निकाल के देता है, तो साइज भी तो वही करता है ना, साइज नहीं, नहीं, एक मिनट लेंथ निकाल के देता है। arr डॉट लेंथ एरे की लेंथ निकाल के नहीं देता है, एरे की निकली हुई लेंथ उसके पास सेव्ड होती है, वो आपको केवल बताता है। साइज एक फंक्शन है, वो आपको निकालता है उस टाइम पे और निकाल के बताता है, दोनों में फर्क हुआ। ऐसे समझो जैसे मान लो आपको अपनी कोई नोटबुक, कोई पुरानी नोटबुक अपने दोस्त को देनी है, ठीक है। एक तो मैंने आपको दो दिन पहले फोन कर दिया कि भाई दो दिन बाद मैं लेने आऊंगा, निकाल के रख लेना। तो क्या होगा, मैं आपके आऊंगा आपके घर के सामने से आपको फोन करूंगा, आप मुझे लाके कॉपी दे दोगे, कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं। और एक दिन मैं एकदम सरप्राइजिंगली आ गया आपके घर पे कि यार वो कॉपी निकाल के दो, तो ढूंढने में टाइम लगेगा ना, तो वो चीज है। तो साइज फंक्शन अगर वो फंक्शन है तो मतलब वो उस टाइम कैलकुलेट करके आपको देगा। सुशांत आपने पूछा था ना क्वेश्चन, साइज बेसिकली क्या